पढ़ रहे हो अरुण बेटा? पिताजी, मैं महात्मा गांधी की वाणी पढ़ रहा हूँ। शाबाश, खूब दिल लगा के पढ़ा करो बेटा। जरा मैं भी तो सुनो क्या लिखा है। अपने अपने यत्नों से भी ख्याल करो, टोली से बड़ा कोई बाप नहीं है। शाबाश, आप यहाँ अरुण से खेल रहे हैं, ड्यूटी का वक्त हो गया। क्या ड्यूटी का ख्याल मुझे नहीं? सुनो तो, अरुण कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहा है। क्यों नहीं, आखिर आपका बेटा है ना। पढ़ो बेटा। टोली से बड़ा कोई बाप नहीं है। लेकिन चोर चोरी करना छोड़ दे तो आपको नौकरी कौन देगा? लक्ष्मी, सचमुच अगर ऐसा जमाना आ जाए तो मुझे भूखा मरना मंजूर है। देखो, मेरा खाना डिब्बे में रख दो। खा के नहीं जाइएगा? नहीं लक्ष्मी, आज चौकी पर ही खा लूंगा। आजकल गुंडों की एक टोली ने शहर की सुख शांति छीन रखी है और इस टोली की तलाश मेरे जिम्मे। भगवान आपकी सहायता करेगा, मैं डिब्बा तैयार कर देती हूँ। अच्छा अरुण बेटा, मैं काम पे चलता हूँ। अच्छा पिताजी। तुम लिखो। क्या लिखोगे? चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं। चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। चोरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है। ये आर्ट किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता और ना ही इसे कोई मास्टर, प्रोफेसर या प्रिंसिपल पढ़ा सकता है। ये आर्ट आदमी की अपनी मेहनत और अकल का नतीजा है। दैट मीन्स व्हाट? दैट अ थीफ रियली इज अ सेल्फ मेड मैन, करेक्ट? यस बॉस, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। धनराज बाबू, पुलिस ने हमारी टोली को पकड़ने के लिए लाल की ड्यूटी लगाई है। सुंदर लाल? जी हाँ। भेड़िए को पकड़ने के लिए एक भेड़ की ड्यूटी लगाई है। धनराज बाबू, कुछ भी हो, सुंदर लाल बड़ा ईमानदार आदमी है और ईमानदार आदमी से जरूर डरना चाहिए। शेखर जी, तुम एक शेर की सोबत में रहकर भी गीदड़ ही रहे। जानते हो, नदी जिस तरफ बहती है उस तरफ तो हर कोई तैरता है, लेकिन तैराक वो है जो पानी के बहाव के खिलाफ तैरे। जिंदगी का मतलब है इस पार या उस पार। आदमी या तो बादशाह हो या भिखारी, क्लर्क नहीं, हवाई जहाज पर सवार हो या बैलगाड़ी में, बस पर नहीं। बन सके तो भगवान बनकर जिए, नहीं तो शैतान, इंसान नहीं। क्या हुआ बहन? वो इस बच्चे को उठा ले जा रहा है। ओ, अरुण बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? अरुण बेटा, क्या हुआ? बहन, तुम्हारा बच्चा है, कोई उचक का अकेला देखकर गले की जंजीर उतार रहा। बहन, तुम वक्त पे आ गई, वरना कौन जाने वो मुआ मेरे बच्चे को ही उठा ले जाता। आजकल तो लोग दो चार आने के लिए खून भी कर देते। बहन, जमाना ही ऐसा है, लोग हराम की खाकर खुश होते हैं। कुछ भी नहीं, मैं तो यही समझूंगी कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। बच्चा तुम्हारा हो या मेरा, इससे क्या फर्क पड़ता है? हर औरत माँ होती है। बहन, तुम्हारा नाम क्या है? सुशीला। कहाँ रहती हो? 25 यूनियन पार्क। मास्टर, सब्जी मार्केट से आ रहा हूँ। कहीं नकली तो नहीं है? नहीं मास्टर, कोई बड़े घर की औरत थी। अरे आजकल बड़े लोग ही तो नकली जेवर पहनते। देखो जी, कैसा जमाना आ गया है। सब्जी खरीदने गई थी, किसी ने मेरे गले से चेन उतार ली। तुम्हारी चेन? मार्केट में जेवर पहन कर गई ही क्यों थी? तो क्या लोग जेवर पहन के बाहर नहीं जाते? पहन कर जाते हैं और उतरवा कर चले आते हैं। अच्छा हुआ तुम्हें सबक मिल गया। ये क्या जी, मेरी 10 सोरन की चेन चोरी हो गई और आपको मजाक सूझ रहा है। जाइए पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। चलिए। पुलिस? ये अच्छी कही, पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाऊँ और फिर उसके बाद सीधा कोर्ट और फिर उसके आगे। चलो छोड़े इस बात को, एक काली चाय बना कर लाओ। आपको तो घर की चिंता ही नहीं। अरे कमबख्त, मेरे घर पर हाथ साफ कर दिया। मास्टर, मुझे क्या पता था, मैं इस शहर में नया हूँ ना। शहर में तो नए हो लेकिन बेईमान पुराने हो। ये 10 सावरे ने? माफ करना मास्टर, माफ करना, भूल से कुछ जेब में रह गए। भूल से कुछ जेब में रह गए? जानता है धर्म कांटा धोखा खा सकता है, धर्मराज का हाथ नहीं। बेटा चोर होकर चोर से ही बेईमानी। आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो वहां भिजवा दी, ऊपर और आसमान नीचे होगा, समझे? मेरा नाम धर्मराज है। न जाने आपको ये दर्द क्यों सता रहा है। ऐसा दर्द तो सिर्फ उन आदमियों को होता है जो लोगों की जेबें काटते हैं, कि बच्चे उठा ले जाते हैं। सुशीला, आजकल जमाना ही उल्टा है।
अच्छे आदमी तड़पते हैं और बुरे मजा लूटते हैं। जाओ तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। जब तक आपको आराम ना आए मुझे कैसे चैन आ सकता है। तुम औरतें भी ना जाने किस मट्टी की बनी हो। सुशीला मैं तुम्हें गालियां देता हूँ, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी सेवा करती हो। क्यों ना करूं, औरत का जन्म ही पति की सेवा के लिए होता है। सुशीला बहन अंदर आ सकता हूँ? कौन है? हवलदार सुंदर। आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आज आपकी धर्म पत्नी ने सब्जी मार्केट में मेरे बच्चे की जान बचाई है। ओ, आप इसलिए यहाँ आए हैं? लेकिन इस काम के लिए वर्दी में आने की क्या जरूरत थी? जी चौकी से घर गया, जब पता चला तो सीधा इधर चला है। अभी फिर चौकी जाना है। क्यों? शायद आज गुंडों की टोली की कुछ खबर आने वाली है। ओ, लेकिन सुंदर बाबू इन गुंडों से जरा सोच समझ कर पेश आना, आखिर तुम भी बाल बच्चेदार हो। लेकिन पब्लिक को गुंडों से बचाने की रोटी तो मैं खाता हूँ। खून और चोरी आज तक कभी नहीं छुपा, और आप देखेंगे ये गुंडों की टोली एक दिन मेरे हाथों गिरफ्तार होकर रहेगी। हासल हवलदार से इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। ये तो भगवान के हाथ है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे मट्टी में मिला दे। अच्छा मैं चलता हूं। सुंदर बाबू जब आप इंस्पेक्टर बना दिए जाएंगे तब सबसे पहले आपको मुबारकबाद देने ये नाचीज आएगा। शुक्रिया। जब पेट खराब होता है तो आदमी सुहाने सपने देखने लगता है। सुंदर लाल इंस्पेक्टर बना दिए जाएंगे। क्या हो गया जमाने को, जिसका काम लोगों की रक्षा करना है अगर वही लुटेरा बन जाए तो फिर हर किसी की जान खतरे में है। लेकिन वकील साहब आखिर सबूत क्या है? सुबह पे तो फैसला नहीं किया जा सकता। सर डायरी। हेड कांस्टेबल सुंदरलाल। अरे कुछ तुम लोगों ने सुना, सुंदरलाल हेड कांस्टेबल से DSP बन गया है। मुफ्त का बंगला, मुफ्त का खाना और मुफ्त की वर्दी, और वो भी चार खाने वाली, और दरवाजे पर पहरा देने के लिए पुलिस। लेकिन सरकार कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। मेरी गिरफ्तारी के ख्वाब देखता था, कर बुरा और हो बुरा। अब कमबख्त के बीवी बच्चे गलियों में भीख मांगते फिरेंगे। बाबा रोटी दे, अम्मा रोटी दे, मुझे भूख लगी है। सबर कर बेटा। लक्ष्मी बहन। अरे बेटा तू ये ले। ये आप क्या कर रहे हैं? इसे मत रोको लक्ष्मी बहन, मुझ में और सुंदर लाल में कोई फर्क ना था। हम दोनों पुलिस में एक ही दिन भर्ती हुए थे और हमारा आपस में बहुत प्रेम था। मैं जानता हूँ सुंदर लाल देवता है, चोर नहीं। तुम मेरी बहन भी हो और भाभी भी, मैं तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ ना होने दूंगा। लक्ष्मी पानी भरने नहीं चलोगी? मैं ठहर के आती हूँ बहन, तुम जाओ। ये लो 10 रुपए, काफी है ना? रुपयों की क्या जरूरत है भैया, तुमने प्यार से बात कर ली वही काफी। अच्छा इधर खसम जेल में गया और इधर प्यार की बातें भी शुरू हो गई, दो ही दिन में भूल गई उसे। हाय रा बहन, सुंदरलाल को तो महीने में 50 रुपए मिलते थे, लेकिन लक्ष्मी तो आप रोज के 10 कमाती है। अरे इस तरह चलती रही तो सुंदरलाल के जेल से बाहर आते आते बंगला खड़ा कर लेगी। हाँ अरे चुप रहे, देखो मटक से आ रही है। ए लक्ष्मी उसके लिए क्या ठंडा पानी लेने आई है? किसके लिए बहन? अपने दिल से पूछ, हमसे क्या पूछती है। मैं तो घर के लिए पानी ले जा रही हूँ, रोज नहीं ले जाती।
पहले तो सुंदरलाल के लिए ले जाती थी, उसकी बात कर जिसने 10 का नोट हाथ में थमाया है। देखो बहन, किसी की पवित्रता को गाली देने से पहले सोच लेती है। हे हे, अपने पल्लू में नोट बांधकर पवित्र हो गई, क्या गंगा जल से धोकर नोट दिया है। फिर इधर आया तो टांगे तोड़ दूंगी। लक्ष्मी संभाल के रख इस चोर के बच्चे को, इस उम्र में बाप क्या दिल से गया है। मेरे मोहन की जेब में हाथ डाल रहा था। क्यों अरुण? मैं अब चोरों के घर में मेरा बच्चा चोरी करेगा? देख लक्ष्मी, गली मोहल्ले को क्यों खराब करती है। कोई मह का ससुराल हो तो इसे लेकर चली जा, नहीं तो किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दे। सब लोग क्यों समझते हैं? पिताजी तो चोरों को पकड़ते थे, वो कैसे चोर लोग हैं? नहीं बेटी, न तुम चोर हो न तुम्हारे पिताजी, ये दुनिया चोर है। इस चोर दुनिया से मैं तुझे बहुत दूर ले जाऊंगी, बहुत दूर ले जाऊंगी मेरे बच्चे। देख लक्ष्मी, गली मोहल्ले को क्यों खराब करती है। कोई मह का ससुराल हो तो इसे लेकर चली जा, नहीं तो किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दे। मुझे भूख लगी है। देखिए ना मास्टर जी, जज साहब और उनकी श्रीमती जी कितने दयालु कितने दानी, मगर भगवान ने उनको औलाद नहीं दी। क्यों भोलानाथ, खाना अच्छी तरह हो गया? अरे सरकार, भोलानाथ के भंडार में किस बात की कमी है? देखिए ना, छोटे छोटे भगवान मजाक मजाक कर रहे हैं। फाइन फाइन। लो बेटा एक पूरी खाना। अच्छा चावल लोगे क्या? ये बच्चा वहाँ क्यों खड़ा है? चलो बेटा तुम भी खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख लगी है, मगर माँ ने कह रखा है कि तुझे मांग के नहीं खाना, जो मांग के खाता है वो मल के भूत बनता है। ओ माँ। अरुण, अरुण तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हारा बच्चा है, चोर कहीं का। चोर? अरुण क्या चोरी की तूने? क्या चोरी? अरे ये क्या कर रही हो? इसने कोई चीज नहीं चुराई, इसने तो मेरा दिल चुरा लिया है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है। ओह, मैं तो कुछ और ही समझी थी। बहन, इसके पिता उम्र भर दुनिया को चोरी के काम से रोकते रहे और हमें यह फल मिला कि आज हम दर्दन की ठोकरें खा रहे हैं। तुम रहती कहाँ हो बहन? गरीबों का क्या ठिकाना बहन, जहाँ रात हो गई वही घर हो गया। समझी, चलो हम मेरे साथ घर चलकर बात करेंगे। मैंने कहा जी इनको घर ले चलो। Why not? घर की मालकिन तुम हो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा चलो चलो बहन, आओ बेटा। शाबाश। शाबाश, अब कौन सा दाल खा? अब फिर कौन सा? कमला, पराए बच्चे को इतना प्यार नहीं करते। किसी दिन ये यहाँ से चला गया तो बुरा हाल होगा तुम्हारा। कैसे होगा? जानते हो लक्ष्मी ने अरुण को मुझे दे दिया है। कोई माँ अपने बच्चे को किसी को नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं जैसा। मैं क्या इतने दिनों से नहीं देख रही कमला बहन अरुण से कितना प्यार करती है। इसके एक एक इशारे पर अपनी पलखें बिछाती है, रात रात भर इसके लिए जाती है, उसके पास रहा या मेरे पास, इसमें क्या फर्क है? ये तो ठीक है लक्ष्मी, लेकिन माँ माँ होती है। किसी दिन तुम्हारी ममता जाग पड़ी और तुम इसे लेकर चली गई तो? ऐसा कैसे हो सकता है? हर माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए जीती है। मैं अपने दिल के टुकड़े की खुशियाँ छीन कर इसे यहाँ से लेकर कहाँ जाऊंगी? अच्छा, अगर किसी दिन इसका बाप आ गया तो? मुझे विश्वास है वो भी अपने बच्चे की बेहतरी के लिए जरूर कुर्बानी देंगे। चलो ये भी मान लिया, लेकिन दुनिया तो हमेशा अरुण को समझेगी। अगर आपको ये शक है तो मैं अरुण की सौगंध खाकर आपको वचन देती हूँ कि मैं आज से इसे अपना बेटा कहकर कभी नहीं पुकारूंगी। अरुण आपका बेटा, आप ही का रहेगा।
खाना तैयार है। जज साहब से कहिए जल्दी खा ले। आज चंद्रमा ग्रहण है। आज क्या चंद्रमा ग्रहण है? जी लक्ष्मी, लोग कहते हैं गर्भवती स्त्री को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। जी, ग्रहण देखने से बच्चे के शरीर पर निशान पड़ जाता है। अच्छा, तो तुम ही जज साहब को बुला लो, मैं ग्रहण देखने नहीं जाऊंगी। तो क्या? हाँ लक्ष्मी। अच्छा, अरुण का भैया आने वाला है। शुक्र है भगवान का, शुक्र है। लक्ष्मी, तुम मधु को दूध पिला दो, मैं अपने अरुण को खाना खिला दूं। कमला बहन, क्या अरुण आपको मधु से भी ज्यादा प्यारा है? लक्ष्मी, मुझे सबसे पहले माँ कहकर किसने पुकारा था? अरुण ने। ममता क्या होती है ये मुझे मधु ने नहीं अरुण ने समझाया है। मेरे लिए सारा जहान पीछे और अरुण सबसे पहले। आओ बेटा, खाना खिला दूं, भूख लगी होगी। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। अरे शरीर कहीं पर भागता कहाँ है? मैं देखती हूँ। शेख नेकलेस बेचता हुआ पकड़ा गया, पुलिस ने हमारे अड्डे को घेर लिया है। बस बेहतर होगा आप भी भाग जाइए। तुम अपना ठिकाना देखो, मेरी फिक्र ना करो। आज पता चल गया कि ये दौलत आपने कहाँ से जमा की है। तुम्हें इससे क्या वास्ता? क्यों नहीं, आपकी बीवी हूँ, आपके बच्चे की माँ हूँ। जो दूध मेरी बच्ची पीती रही है उसमें जरूर किसी गरीब का खून होगा। इस चोरी की कमाई को हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। आजकल के जमाने में चोर कौन नहीं, जो पकड़ा जाता है वो पुलिस वैन में जाता है और जो नहीं पकड़ा जाता वो कैडलक में घूमता है। लेकिन नेक नीति से पैदल चलने वालों को कार से ज्यादा मजा आता है। जाइए, खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। जाइए। दीदी, चाहती हो कि खामिन कैद हो जाए? चोरी छिपे की जिंदगी गुजारने से तो कैद अच्छी। पाप करने वाला शैतान होता है, लेकिन पाप करके पछताने वाला है इंसान। जाओ, मेरे पास बात अपनी वक्त नहीं है। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन मेरी दुनिया तो बहुत छोटी सी है। एक आप और ये मरने से चार सुमति। भगवान के लिए एक पाप किया है, अब दूसरे पाप के रास्ते पर कदम मत रखिए। जाओ मेरे रास्ते से। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मेरे लिए ना सही, इस मासूम के लिए। जरा सोचो तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? गला घोट दो इसका, मैं खुद भी कहीं क्यों मर। पहले मैं मधु को दूध पिला लूं, फिर तुझे खाना देती हूँ। पहले मुझे खाना दो, फिर मधु को दूध पिलाना। फिर क्यों करते हो अरुण? जरा सब्र करो। तू सबर कर लूं? अरुण, इतना बदतमीज हो गया तू? दो मिनट सबर नहीं कर सकता? क्या हुआ अरुण? लक्ष्मी, तुमने इसे मारा क्यों? और क्या करती? मधु को दूध पिला रही थी, सर पे सवार हो गया। पहले मुझे खाना दो। तुम मेरे बेटे को भूख लगी है? चलो मैं खाना देती हूँ। मैं अपनी माँ से ऐसे खाना। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। मैं तो मेरी माँ नहीं हूँ, मेरी माँ। अरुण, बेटा, क्या मैं तेरी माँ नहीं? नहीं। अरुण, यही तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं, मेरा बेटा है। देखिए, देखिए, मैंने अरुण को मधु से बढ़कर अपना बच्चा समझा और आज वो मुझे कहता है मैं उसकी माँ नहीं हूँ और वो भी लक्ष्मी के सामने। तुमसे कितनी बार कहा है कि पराई चीज पराई होती है। जब तक लक्ष्मी यहाँ है अरुण उसी के पास जाएगा। हजार गायें भी खड़ी हों तो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ निकालता है। तो फिर मैं क्या करूँ? सीधी सी बात है, भगवान ने मधु जैसा सुंदर बच्चा दे रखा है तो फिर अरुण और लक्ष्मी के घर में क्या जरूरत है? चुप रहिए, मैं मधु को इस घर से भेज सकती हूँ लेकिन अरुण को नहीं। तो फिर मुझसे राय पूछने की क्या जरूरत है? जो जी मैं वो करो। अब तो एक ही रास्ता है, अगर लक्ष्मी इस घर से चली जाए तभी अरुण मुझे अपनी माँ समझेगा। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। कमला बहन, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रही हूँ लक्ष्मी? जब यहाँ आई थी तो कौन सा सोच कर आई थी, और अब जा रही हूं तो क्या सोचना।
कल की बात मुझे बुरी लगी, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं नाराज होकर जा रही हूँ, बल्कि अपने खुशी से जा रही हूँ, अपने बच्चे की भलाई के लिए जा रही हूँ। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो ये ख्वाब देखती है कि उसका बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा या वजीर बनेगा, लेकिन मेरे साथ रहकर वो क्या बन सकता है। कबला बहन, मैं अपना दिल यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन जानती हूँ कि वो आपको अपने दिल से भी ज्यादा प्यारा है। लक्ष्मी, देख तेरा बच्चा यहाँ कितना खुश, इसे यहाँ से ना ले जा। नहीं नहीं, इसे यहाँ छोड़कर ममता का गला न घोट, इसे भी अपने साथ ले जा। सोच क्या रही, आगे बढ़ और अपने बच्चे को गले से लगा ले। नहीं नहीं, खुद गर्जना बहन, इसे अपने साथ ले जाकर गली कुलचों की धूल बनाना चाहती है, चोर बनाना चाहती है, चोर बनाना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, सुंदरलाल, तुम आज से रिहा किए जाते हो। रिहा? मगर मेरी सजा के तो अभी 2 ही साल गुजरे हैं सरकार। हाँ सुंदरलाल, तुम्हारे खिलाफ जो इल्जाम थे वो सब झूठ निकले। क्या ये साबित हो गया कि मैं निर्दोष हूँ? हाँ, ये सारी शरारत तो धर्मराज की थी, मुजरिम वो है। धर्मराज? यस, धर्मराज के अलावा उसकी टोली के सब आदमी पकड़े गए, और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि सरकार की तरफ से तुम्हें सिर्फ इज्जत के साथ रिहाई नहीं किया गया, बल्कि हेड कॉन्स्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनाने की सिफारिश भी की गई। तुम आज से ही अपनी ड्यूटी संभाल सकते हो। थैंक यू सर। तूने भी किसी माँ के पेट से जन्म लिया होगा। कौन? सुशीला बहन, तुम? पहचान लिया इस मत नसीब को, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। इसकी चिंता न कर। देख बहन, मेरी ये इकलौती बेटी है, इसका पिता हम दोनों को छोड़कर कहीं चला गया है। मैं आज दुनिया से जाते हुए तुम्हें ये अमानत, तुम्हें ये अमानत सौंप रही हूँ। वचन दो, भगवान के लिए मुझे वचन दो, वचन दो मेरी सुमति। वचन? वचन मांगती हो? बहन, तूने एक बार मेरे बच्चे की जान बचाई, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, तेरे एहसान का बदला चुकाने का मौका मुझे मिला। मैं सुमति को अपने बच्चे की तरह संभालूंगी। भगवान, भगवान इस भलाई का बदला, भलाई का बदला तुझे। सुशीला, सुशीला, भगवान की बातें भगवान ही जाने। अपने बच्चे का पेट न पाल सकी तो उसे दूसरे के हवाले कर दिया, और अब किसी और की बच्ची की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अच्छा, जो लाल, कल रात राम मंदिर के पास एक घर में चोरी हुई, ये रिपोर्ट मिली, तुम जाओ फौरन पता लगा कर आओ। रोती क्यों है? अभी तो तेरे हंसने की दिन है। तो बेटी, तुम्हारे लड़के का क्या बना? क्या बताऊं मां, जब अरुण मुझसे छीन गया तो भगवान से मेरी गोद सोनी न देखी गई, और उसने मुझे ये सुंदर सी बच्ची दे दी। कितनी प्यारी बच्ची है माँ, किसी की आखिरी निशानी। किसी की आखिरी निशानी मेरी जानी मिटा दी, और निशानी पर जान दे रही है। सच कहते थे लोग, सच कहते थे, औरत तेरी जात ही ऐसी है। अच्छा बेटी, तो अब तेरी रोजी का क्या सहारा है? कहीं ना कहीं नौकरी तलाश कर लूंगी, जब तक नौकरी न मिले
एक दो रातें ही काट लूं तो क्या हर्ज है? क्यों नहीं बेटी, मंदिर तो भगवान का घर होता है, भगवान के घर में तुझे कौन रोक सकता है? एक जमाना था जब मैं भी उसका भगवान था, और अब बड़ी दर्दनाक कहानी है तुम्हारी। खैर चल से काम पर चली आना। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं दिन रात मन लगाकर सेवा करूंगी। सीताराम इन्हें ले जाओ, इनका क्वार्टर दिखा दो। अच्छा डॉक्टर साहब, आइए बहन। ये क्या सुंदरलाल, अभी अभी तुम्हारे हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनने के ऑर्डर आए हैं और अभी अभी तुम यहाँ से तब्दीली चाहते हो? कुछ भी हो सर, मैं अब इस शहर में एक दिन भी नहीं रहना चाहता। मुझे आप कहीं भी तब्दील करके भेज दीजिए, मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं सिफारिश कर दूंगा। चुप हो जा, अब हमारे दुख के दिन तो कट गए। लक्ष्मी लक्ष्मी, ये तुम्हारी चिट्ठी है। मेरी चिट्ठी? हाँ, राम मंदिर से एक बुढ़िया आई थी और ये चिट्ठी देकर चली गई। अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे कौन खत लिख सकता है? लक्ष्मी, ये खत अरुण का पिता सुंदरलाल लिख रहा है। उनका खत? लक्ष्मी, मैं निर्दोष होते हुए भी जेल गया, लेकिन वहां सिर्फ एक आशा पर जिंदा रहा कि जेल की दुनिया से बाहर कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। 2 साल बाद सरकार ने मुझे निर्दोष समझकर रिहा कर दिया। मैं कितनी उम्मीदें कितने अरमान लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन सिर्फ ये सुनने के लिए कि मेरे जाते ही तुमने मुझे एक सपना समझकर भुला दिया। वो काम किए जो एक पतिव्रता स्त्री सोच भी नहीं सकती। फिर भी मुझे दुनिया की बातों का विश्वास ना आया और मैं तुम्हारी तलाश करता रहा। आखिर एक दिन तुम मुझे इस धर्मशाला के पास नजर आई। काश मैं अंधा होता और ये ना देख सकता कि तुम्हारी गोद में मेरे अरुण की जगह पाप की एक जीती जागती मूरत खेल रही है। लक्ष्मी, तूने मुझसे द्रोह किया है, तुम पाप की मूरत हो, तुम स्त्री जाति के नाम पर कलंक हो। अब कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाना और ना मुझे तलाश करने की कोशिश करना। मैं बहुत दूर जा रहा, बहुत दूर जा रहा, इतना दूर कि तुम्हारा पाप भरा साया भी मुझ पर ना पड़ सके। अभी पीता हूँ भोला नाथ। अरे अभी करते करते आधा घंटा तो हो गया, जब पूरे डॉक्टर बन जाओगे तो खाना पीना भी भूल जाओगे। हो सकता है, आखिर डॉक्टर की जिम्मेदारियां भी तो बहुत हैं। हाँ। अरुण, ओ अरुण। आया माँ। क्या है माँ? जरा देख तो, मधु शहर के कितने बड़े बड़े लोगों को नाश्ते के लिए लाया है। मधु, ए मधु, ये सब क्या है, कहाँ हो तुम? भैया इनसे मिलिए, ये हैं हिंदुस्तान की भूखी जनता के एम्बेसडर। कल रात शहर में बेहद बारिश हुई, गरीबों की बस्ती में तमाम झोपड़ियां बह गई। मैं रात की रात जाके कुछ लोगों को तो यहाँ ले आया और कुछ लोगों को सबके साथी के दफ्तर भेज दिया। तुमने बहुत अच्छा किया मधु, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा तुम भी इसके साथ हो गए? तुम्हारा इसमें हर्जी क्या है, बेचारा दीन दुखियों की सेवा ही तो करता है। मैं तो कहती हूँ कि सेवा न करें, लेकिन घर घर होता है। भैया मम्मी से कह दो, थोड़ी देर की और बात है, ये सब भाई लोग नाश्ते के बाद जा रहे हैं। हाँ। ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? सरकार, मधु के कुछ रिश्तेदार आए हैं। अच्छा, सबके साथी का दफ्तर चलते चलते घर तक पहुँच गया। अब आप ही देख लीजिए, थोड़े दिनों के बाद ये लोग तो घर के अंदर सोएंगे और हम बाहर। देखिए पिताजी, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा हूँ, महात्मा गांधी ने भी कहा है हर दुखी के रूप में भगवान होता है, इनकी सेवा भगवान की पूजा है। तुम ठीक कहते हो मधु, जहाँ तक हो सके इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पिताजी। लो, भाई को बुलाया तो वो इसके साथ हो लिया, बाप आया तो उसने इसकी हाँ में हाँ मिला दी। बच्चे अच्छे हो तो बाप तो साथ देगा ही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक बन रहा है और दूसरा लीडर। Thank you.
सुमती। क्या है माँ? माँ तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? सीढ़ियों से पाँव फिसल गया, मोच आ गई। माँ तुमने आज तक मेरे लिए कितनी खाए है, अब तो आराम। बेटी तेरी माँ गरीब है, सिर्फ तुझे नर्स बना सकी, अमीर होती तो बनाती। क्या कहती हो माँ? बहुत कुछ बना दिया है तुमने, लेकिन अब जब मैं नर्स बन चुकी हूँ तो फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? तू नहीं समझती, तू जब छोटी सी थी तो डॉक्टर शंकर ने हमें आसरा दिया, मैं जब तक जीऊंगी डॉक्टर शंकर की नौकरी नहीं छोड़ूंगी। जी माँ, किसी का एहसान भूलना नहीं चाहिए। अच्छा मैं चली, स्पेशल वार्ड में मेरी ड्यूटी है। अच्छा भगवान, तूने मुझे ये मौका तो न दिया कि मैं अपने पति कर सकूं, लेकिन जब तक सांस में सांस है तीन दुखियों की सेवा तो कर लूं। नासिक पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर सुंदरलाल स्पीकिंग। क्या कहा? इंस्पेक्टर सैम कलकत्ते से बोल रहे हैं? धर्मराज, वो पुराना पापी? हाँ हाँ वही, जिसने आप पर मुसीबत खड़ी कर दी थी। इंस्पेक्टर सुंदरलाल, मुझे किसी ने उड़ती हुई खबर दी है कि शायद वो आदमी सिंगापुर में है, लेकिन उसकी पहचान के लिए ना तो हमारे पास कोई फोटो है ना उसका हुलिया। उसकी शिनाख्त के लिए मैं सिंगापुर जा सकता हूँ? इंस्पेक्टर सैन, मैंने उसे एक बार देखा हुआ है। ओके, अगर कोई और खबर मिली तो फौरन इतला कर दूंगा। अच्छा धर्मराज सिंगापुर में? यस जी हाँ, मैं मिर्जा सिंगापुरी बोल रहा हूँ। मिस्टर चाउंग टोक्यो से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस व्हाट, 3 lakhs? नो, मिस्टर चाउंग, अल्लाह कसम, नॉट अ शिलिंग लेस देन 4 lakhs। हाँ प्लीज लेट मी नो। दूसरों के माल को तो चोरी का माल समझते हैं, अल्लाह कसम। अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा, तेरा जापान से ट्रंक कॉल आ गया। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए मिर्जा साहब, आपके मिजाज कैसे? अल्लाह का शुक्र है, साहबजादी की तारीफ। ये हमारी प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्ची बड़ी जहन और होशियार नजर आती है। कहिए जब्बार साहब, वो जापान के माल का क्या हुआ? तुम वहां पहुंच गया, मैं आपका हिस्सा अदा करने आया। किबला जल्दी क्या थी? जल्दी जल्दी शुक्रिया, शुक्र है परवरदिगार का जो हलाल की देता। साहबजादी टाइम नोट फरमाइए। लिबास देसी है, लड़की चीनी है, उर्दू नहीं समझती। बताई कुछ जब्बार साहब, आप भी कमाल की चीज है, आपके पास कोई शैतान को भी भेजे तो आप उसे इंसान बनाकर पेश कर देते हैं। ये आपकी ज़रा नवाजी है मिता साहब। जब आप आपकी खिदमत मेरे लायक, मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चाय चाय चाय। दौलत मेरे आगे, दौलत मेरे पीछे, दौलत मेरे दाएं, दौलत मेरे बाएं। और एक वो वक्त जब मेरी जेब में सिर्फ 5 आने थे, भगवान के बनाए हुए रास्ते पर चलता तो शायद वो 5 आने भी खो बैठता। शुक्र है शैतान का जिसने दौलत का रास्ता दिखाया। जूस सरकार। जफर मियां जी, अब कभी तो गिलास भर कर लाया करो, लाना तो तुम पर, जाओ पान लगवाओ। चलो दौलत मेरे आगे, दौलत मेरे पीछे, दौलत मेरे दाएं, दौलत मेरे बाएं। पानी में लगी कैसे आग, पानी मली होए होए कैसे, के हुस्न की नाव चली होए होए ऐसे, के हुस्न की नाव चली होए होए ऐसे, के हुस्न की नाव चली होए होए ऐसे।
से जाने हैं इतनी तितलियाँ, आई कहाँ से जाने इतनी तितलियाँ, डर के रहना बन जाएंगी बिजलियाँ, डर के रहना बन जाएंगी बिजलियाँ, धूप में बिजली गिरी होए होए कैसे, धूप में बिजली गिरी होए होए कैसे, के हुस्न की नाव चली होए होए ऐसे, के हुस्न की नाव चली होए होए ऐसे, के हुस्न की नाव चली होए होए ऐसे। जाते जाए तुम लगाते जाओ, हम बुझाते जाए तुम लगाते जाओ, आज रोशन है जहां होए होए कैसे, आज रोशन है जहां होए होए कैसे, के दिल जले होंगे होए होए, के दिल जले होंगे यहां होए होए ऐसे, के दिल जले होंगे यहां होए होए ऐसे, आग पानी में लगी होए कैसे, आग पानी में लगी होए होए कैसे, के हुस्न की नाव चली होए होए ऐसे, के हुस्न की नाव चली होए होए ऐसे, के हुस्न की नाव चली होए होए ऐसे। Ladies first. पिताजी, good news. मैं MBBS में पास हो गया हूँ। मुझे फर्स्ट क्लास मिली। ये देखिए। अच्छा? मिलती ही क्यों ना? आखिर बेटे किसके हो? Come here. शाबाश है। मम्मी अंकुर जी। ओह देखिए आप लकलाना क्या कर रहा है? गली में खड़ा पंडित राम प्रसाद को गला फाड़-फाड़ के समझा रहा था कि वो अपनी बेवा लड़की की दूसरी शादी कर दे। वो पुराने विचार का आदमी फिर गुस्से में आके इसका सर फोड़ देता तो क्या होता? मैं मर जाता और मर के फौरन अमर हो जाता, और आप फकर से सर उठा के दुनिया से कहते कि आप इस अमर शहीद बेटे के माँ बाप हैं जो जनता की सेवा करते हुए शहीद हो गया। क्यों पिताजी? Exactly, my son. Thank you, father. आपके इसी लाड प्यार ने तो इसे बिगाड़ रखा है। It's all right. जानती हो अरुण एक खुशखबरी लाया है, MBBS में फर्स्ट क्लास पास हुआ है। भैया कंग्रेचुलेशन। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं जानती हूँ मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। पिताजी, भैया के पास होने में आधा हिस्सा मेरा भी है। तुम्हारा? क्यों बरखुदा, तुम्हारा आधा हिस्सा कैसे? इसलिए डैडी, जब भैया रात के 3-3 बजे तक बत्ती जलाकर पढ़ते थे तो रोशनी की वजह से मुझे भी जागना पड़ता था। अच्छा बेटा अरुण, ये तो बताओ आगे के लिए क्या सोचा है? पिताजी, डॉक्टर बनकर तो सब दौलत कमाते हैं, लेकिन मैंने ये इरादा किया है कि किसी गाँव में जाकर डिस्पेंसरी खोलूं। लाखों गाँव ऐसे हैं जहाँ आज तक किसी ने डॉक्टर का भी नहीं सुना, और हर साल लाखों लोग खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन बेटा, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले साल दो साल के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के साथ रहकर तजुर्बा हासिल करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं पिताजी, नीम अकीम तो खतरा जान होता है। देखो बेटा, डॉक्टर शंकर मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। डॉक्टर भी लाजवाब हैं और आदमी भी देवता। मैं उनसे कह दूंगा तुम साल दो साल उनके ही नर्सिंग होम में काम सीखो। अच्छा पिताजी। ये तो सीख ही जाएगा, लेकिन इस बुद्धू का क्या होगा? बुद्धू? मम्मी मुझे बुद्धू ना समझो, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जरा बाहर पूछ के देखो मेरी क्या इज्जत है। देखना एक दिन आपका नाम रोशन करूंगा। माफ करना पिताजी, आपका भी। सोलह साल पहले इसी दिन मैं अपने अरुण को जस साहब के यहाँ छोड़कर आई थी।
बिल्कुल ऐसी सूरत थी उसकी। अरुण, मेरा अरुण। माँ, माँ, एक नया डॉक्टर आने वाला है। नया डॉक्टर? हाँ, कोई डॉक्टर अरुण, इस शहर की किसी जज रामकृष्ण का लड़का है। मैं जाती हूँ माँ, बड़े डॉक्टर ने बुलाया है। अरुण आ रहा है, मेरा अरुण। 16 साल के बाद अब वो मेरी आंखों के सामने रहा करेगा। माफ करना माँ, मुझे डॉक्टर शंकर से मिलना है। मेरा नाम अरुण है। क्या हुआ माँ, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, न जाने क्यों हाथ से फिसल गया। ये लो माँ, और देखो कहीं फिर ना फिसल जाए। डॉक्टर शंकर इस तरफ है। इतना बड़ा हो गया मेरा रूम। हरी, डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ एक लाइन में क्यों खड़ा कर दिया है? क्या हमारी परेड होगी? ऐसी कोई बात नहीं, आज हमारे नर्सिंग होम में एक नया डॉक्टर आ रहा, उससे मिलाने के लिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। पिताजी ने मुझे आपके जिम्मे सौंपा है और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके साये में बहुत कुछ सीख सकूंगा। और मुझे भी उम्मीद है कि तुम इस हॉस्पिटल का नाम रोशन करोगी। अगर तुम्हारा दिल अच्छा है तो शफा भी आ जाएगी। शफा तो आपके हाथ में है, और अगर आपका हाथ मेरे सर पे रहा तो मैं जरूर रोगियों की सेवा करने के काबिल बन जाऊंगा। सिस्टर्स, ये हैं हमारे नए डॉक्टर मिस्टर अरुण, MBBS। तुम सबको एक साथ काम करना है, इसलिए पहचान कराना जरूरी था। अब तुम सब जा सकती हो। तुम डॉक्टर अरुण को कमरा दिखा दो। थैंक यू। नर्स, कम हियर। तुम्हारा नाम क्या? नर्स। नर्स? नर्स नाम नहीं होता, प्रोफेशन होता है। अभी अभी बड़े डॉक्टर साहब ने जिस नाम से मुझे पुकारा था वही मेरा नाम है। मैं भूल गया हूँ। मैं याद दिला देती हूँ, सुमति। सुमति। अब मैं जा सकती हूँ? नो, यहाँ रोजमर्रा का काम क्या होता है? डॉक्टर का या नर्स का? दोनों का। मरीजों की देखभाल, उनकी बीमारी का पता चलाना, उनको दवा देना, उनका ऑपरेशन करना, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वगैरह 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 क्या हुआ? मंडे, फ्राइडे, ऑपरेशन, थर्सडे जनरल इंस्पेक्शन, सैटरडे हाफ डे, संडे पिकनिक, कश्ती चलाना, लड़कों से मुकाबला करना, उनसे लड़ाई करना, झगड़ा करना, वगैरह वगैरह वगैरह। आई एम सॉरी। आदमी को जानते हो जो जा रहा है? एक कौन है बस? मैं फिर बताऊंगा। जहाँ ये खड़ा है ना, एक दिन मैंने इसी जगह पे इसकी बहन का पीछा करके गाना गाया। कौन सा गाना बस? रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रोता नहीं जाए नखरनी का। फिर क्या हुआ बस? होना क्या था, लड़की पहले तो मेरी आवाज सुनकर दीवानी हो गई। फिर क्या हुआ बस? फिर जब उसने मुड़कर मेरी सूरत देखी तो आग के इशारे से मुझे पीछे पीछे आने के लिए कहा। फिर क्या हुआ बात? लड़की ने दिल हमको उठाए दे दिया। कुछ घबराए, कुछ शर्माए। क्या कहा भी? ए, हाथ पीछे कर, ये हमारा साहब है। साहब होगा तो तेरा, इसने मेरी बहन को क्यों छेड़ा? अच्छा, तो वो आपकी बहन थी, लेकिन साहबजादे जिस लड़की के पीछे आप गला फाड़ फाड़ कर गा रहे थे वो मेरी बहन है। तेरी बहन? हाँ, हम हर पराई लड़की को अपनी बहन समझते हैं। आखिर इस लड़की का भी कोई भाई होगा। फर्ज करो इस वक्त वो यहाँ होता तो आपकी मरम्मत कैसे होती? तो नमूना बता दे। नहीं, नहीं, अहिंसा, इसको पुलिस के हवाले करो। माफ करना भाई, मुझसे गलती हुई,
फिर कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं किसी लड़की को छेड़ूंगा, कान पकड़ता हूँ, तौबा करता हूँ। और अगर ऐसा किया तो मेरा नाम मधु भी है, सबके साथ ही गिरा तुम उसी। बच्चे को पहले क्यों नहीं लाए? कैसे लाती, अस्पताल तक आने के लिए पैसे नहीं थे। देखिए डॉक्टर बाबू, ये लड़का ही मेरा सब कुछ है, किसी तरह इसे जीवन दान दे दीजिए। आपकी भी कोई माँ हो दो घड़ी के लिए समझिए कि यहाँ आपकी माँ खड़ी है। अगर वो भी होती तो यही करी, डॉक्टर बाबू बचा लीजिए मेरे बच्चे की जान, बचा लीजिए। ये अस्पताल है डॉक्टर साहब, ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, जब जान निकल रही होती है तो मरीज को अस्पताल ले आते हैं। छोड़िए, ऐसे और जरूरी केस पड़े हैं। कंपाउंडर, तुम और मैं ऐसा केस छोड़ सकते हैं, लेकिन एक माँ का दिल तो आखिरी दम तक आशा नहीं छोड़ेगा। माँ तो मुर्दा बच्चे के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठने देती। और सुनो, हॉस्पिटल में काम करने वाले हर आदमी की जबान में मिठास और दिल में हमदर्दी होनी चाहिए। माँ जी, आप फिक्र ना कीजिए, मैं इस बच्चे को अपना छोटा भाई समझकर इसका इलाज करूंगा। कंपाउंडर जी, बच्चे को वार्ड में दाखिल करो। डॉक्टर बाबू, आप ही मेरे भगवान हैं। आओ। रो रही हो? औरत जो हो, एक माँ की आंख के आंसू तुमसे देखे नहीं गए। नहीं डॉक्टर साहब, जब आप कंपाउंडर को माँ बेटे का प्यार समझा रहे थे तो मेरे दिल में भी ममता जाग उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी कहानी कह रहा है। माँ, बहुत नरम दिल है तुम्हारा, इसीलिए तो बच्चों की तरह रो पड़ती हो। मेरा ख्याल है अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता तो शायद तुम रहम खाकर अपना बच्चा उस औरत को दे देती। डॉक्टर साहब, मैं तो लाख कोशिश करके मर गई, मगर ये ठीक ही नहीं होती। या तो इसे कोई भूत चिटक गया है या किसी कलमुए की नजर लग गई है। मेरा मतलब ये है, जब मेरी बच्ची शादी से पहले बंठन कर बाहर निकलती थी तो मेरी तरह चांद का टुकड़ा लगी थी, लोग इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन आपकी बेटी तो बिल्कुल अच्छी है। क्या कहो? अरे डॉक्टर, ये ठीक है? और हाँ, इस माँ के दिल से पूछो डॉक्टर साहब, मैंने किस मुसीबतों से इस नाजुक सी कली को पाला है। डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए वरना ये कली खिलने से पहले मुरझा ना जाए। सॉरी, मारती है बस, बोलती नहीं। नर्स, डॉक्टर ठीक कहता है, ये मेरी बच्ची। नर्स, पूरे 500 पाउंड से 250 पाउंड रहेगी। नर्स, जब से इसकी शादी हुई है ना खाती है पीती है ना बोलती है, बंद कमरे में बैठे सारी सारी रात तारे गिनती है, 1 2 3 4 5 6। डॉक्टर, विद योर परमिशन ये केस मैं देख लूं? हाँ हाँ, बोलो ना। प्लीज डू, मैं इतने में वार्ड के मरीजों को देख के आता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। इसकी शादी कब हुई थी? 5 साल पहले। इसका पति कहाँ है? दिल्ली में। ये दिल्ली से कब आई? आएगी क्या, गए नहीं। नस, बात यह है असल में कि इसका पति 50 रुपए महीना कमाता है, निखट्टू कहेगा अपना पेट भरेगा या मेरी बेटी का पेट, इसलिए मैंने भेजा ही नहीं। बस यही है इसकी बीमारी, दिल्ली का टिकट 25 रुपए है। इसे फौरन दिल्ली भेज दीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाए। यही तो मैं भी कहती हूँ कि मुझे दिल्ली भेज दो, मगर मेरी माँ है कि मानती ही नहीं। अब तुम ही बताओ नस, क्या शादी के बाद लड़की को घर पे बिठाए रखते हैं? मैंने तो अभी तक अपने पति को जी भर के देखा भी नहीं। वाह, ये तो बोलती है। अजी सुना आपने, ये बोलती है? अजी मगर आज ही बोली है। मगर खूब बोली है। क्यों ना बोलू, क्या मुझे बोलने का कोई हक नहीं? किसने मेरी शादी की थी, क्या घर पर बिठा रखने के लिए? मैके में ही बिठाना था तो मेरे हाथ पीले करने की क्या जरूरत थी? बोलो, बारात आई थी? आई थी। बाजे बजे थे? बजे थे। मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई थी? लगाई थी। तो क्या ये सब कुछ घर पर बिठा रखने के लिए किया था? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए।
हाँ जी मैं कहती हूँ आप आज ही से दिल्ली भेज दीजिए। धन्य हो, धन्य हो नर्स, मैं आज ही से भेज देती दिल्ली मेरी लाडो। सच्ची मम्मी, चल चल मैंने तेरे साथ बड़ा नहीं आई के आजा बच्ची। अरे सुमति ये क्या? डॉक्टर साहब आपकी नर्स बहुत अच्छी है, आज मेरी माँ को वो लेक्चर झाड़ा कि बस मजा आ गया। नर्स ओके थैंक यू, हाँ बाय 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 नर्स बाय बाय। सुमति तुमने तो कमाल कर दिया, ये लड़की तो बोलने लगी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर। अच्छा कहाँ से सीखा? बड़ी डॉक्टर साहब से, उनका कहना है कि रोगी के शरीर से ज्यादा उसके दिल की हालत देखनी चाहिए और जो रोग दवा से अच्छा नहीं हो सकता वो मन की शक्ति से अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, कुछ दिनों से मुझे भी कुछ ऐसा ही रोग लगा हुआ है। आपको? लेकिन शरीर से तो नजर नहीं आता। लेकिन दिल की हालत भी तो देखनी चाहिए, रात को जब बिस्तर पर लेटता हूँ तो नींद नहीं आती, तरह तरह के सपने आते रहते हैं। जब नींद नहीं आती तो सपने कहाँ से आते हैं? सपनों का संबंध नींद से नहीं, आदमी के ख्यालों से होता है। समझ गई डॉक्टर साहब, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके रोग के और कौन कौन से निशान हैं। आप सिर्फ हाँ या ना कहते जाइए। ओके। आप जो खाते हैं वो हजम नहीं होता। ठीक। घर जाकर भी आपका दिल हॉस्पिटल में रहता है। बिल्कुल ठीक। जब कैलेंडर पर आप इतवार का दिन देखते हैं तो आपका जी कैलेंडर को फाड़ना चाहता है। 100% ठीक। किसी ऐसी चीज की फिक्र सताती रहती है जो शायद को मिले या ना मिले। ओ सुमति यार रियली ग्रेट, तुम बिल्कुल एक एक्सरे फोटोग्राफर हो जिसने मेरे दिल की सच्ची तस्वीर उतार कर मेरे सामने रखती है। ये बात नहीं, दरअसल मैं भी इसी रोग से बीमार हूँ। सुमति इस रोग का कोई इलाज नहीं। डॉक्टर तो आप हैं, मैं नहीं। Thank you.
पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस किसी ने भी कहा है कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है, जरूर साहब उसे भी मेरी तरह दर्द होता होगा। या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार हूं, लेकिन तू तो रहीम है। मिर्जा साहब, आजकल खुदा को बहुत याद करते हैं आप। जरूर दर्द का खुदा से कोई रिश्ता होगा। डॉक्टर साहब, जवानी में जब खून जोश मारता है तो इंसान बगावत की सोचता है, दंगा फसाद का ख्याल करता है, लेकिन जब खून कमजोर हो जाता है तो इंसान मस्जिद की तरफ भागता है, मंदिर की घंटियां बजाता है, गिरजा में दुआ मांगता है। मिर्जा साहब जी, आप काम भी तो बहुत करते हैं, आराम किया कीजिए, अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। तो आई भी और चली भी गई, लेकिन खाना अभी तक घर से नहीं आया। ओह, क्या बात है? मैं भी अपना खाना नहीं लाई, सोचा था आज आपके साथ खा लूंगी। अगर ये बात है तो तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, तुम्हारी भूख हम मिटा देंगे। लेकिन खाएंगे क्या? मैं तो यूं ही दिल लगी कर रहा था, मेरा खाना तो कब से आया पड़ा है। ये ऐसे क्यों? आप मुझे बना रहे थे और खुद ही बन गए। वो कैसे? मेरा भी खाना कब से आ चुका है। शरीर बिल्ली कहीं। चलिए अब खाना खा लें। हाँ। आप भी इसी तरह मेज लगा लीजिए। अरे हाँ, गुड आइडिया। अरे पहले दरवाजा तो बंद कर दीजिए। अरे हाँ। पहले खुली हवा में खाना खाया करते थे, आज बंद कमरे में खाना खा रहे हैं। आपके घर में क्या क्या है? सब कुछ है, दही, दाल, बैंगन की सब्जी, आलू मटर, चपाती या चावल कुछ भी नहीं? अरे हाँ, चपाती भी है, चावल भी, पानी, ग्लास, चम्मच। तुम्हारे घर से क्या आया है? चपाती, दाल और अचार। अचार? जरा मुझे भी देना। डॉक्टर साहब। Shut up। ओ कंपाउंडर साहब, आपको भी इसी वक्त आना था, कमाल है आप। जी, बड़े डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी? क्या काम है? पता नहीं, लेकिन कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे आपको और सिस्टर सुमित्री को फौरन यहाँ से भेज देना चाहिए। हाँ, हाँ आप घर चलिए, मैं अभी आता। अच्छा अच्छा। अब क्या होगा? डॉक्टर साहब हम दोनों की छुट्टी कर रहे हैं। शायद उनको पता चल गया है। पता कैसे न चलता, आप भी सारा दिन परवाने की तरह मेरे गिर चक्कर लगाते रहते हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, अब जाके जवाब दीजिए। तुम्हारा मतलब है मैं ही अकेला मुजरिम हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। पहले आप। बहुत खूब, हर बात में लेडीज फर्स्ट, इस बात में जेंट्स फर्स्ट। जाइए ना, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ, जाइए प्लीज।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरुण, बात जरूरी है लेकिन समझ में नहीं आता कैसे शुरू करूं। हॉस्पिटल के नाम का सवाल है, डॉक्टरी के पेशे की इज्जत का ख्याल है। डॉक्टर साहब, मैंने जज साहब को ही फोन किया है। पहले तो वो भी चकराए लेकिन बाद में मान गए। तुम दोनों को आज ही यहाँ से जाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ हमारी भी तो सुनिए। मेरा भी तो तुम पर कोई हक है। मैं जानता हूँ कि तुम इस हॉस्पिटल का नाम रोशन करोगे। इस जिले के कितने ही गांव में बुखार फैला हुआ, सैकड़ों आदमी दवा के बगैर मर चुके हैं। मैं किसी और डॉक्टर को इस काम के लिए भेज सकता था लेकिन तुम्हारे और सुमति के सिवाय इस काम के काबिल और कोई नजर ना आया। वो आदमी बहुत खुश नसीब होता है अरुण, जिसे दीन दुखी की सेवा का मौका मिले। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, बल्कि मैं भी यही कहने वाला था कि अगर हम कल चले जाएं तो कोई हर्ज है? कल क्यों, हम आज ही चलेंगे डॉक्टर साहब। मुझे भी तुम दोनों से यही आशा थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डॉक्टर साहब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटी। और हाँ सुन, तुम लोग बुखार भरे गांव में जा रहे हो इसलिए अपना और खास करके छोटे डॉक्टर साहब का ख्याल रखना। घबराओ नहीं माँ, ये कोई बच्चे नहीं, डॉक्टर है डॉक्टर। और फिर हम लोगों को बीमारी नहीं लगती। बीमारी तुम्हारे दुश्मनों को भी न लगे। अच्छा माँ, आप इजाजत चाहता हूँ। जाओ बेटा। आपके पति कैसे हैं? अब तो ठीक है डॉक्टर बाबू, तुमने उसकी जान बचा ली। बेटी तू देवी है और तेरा पति देवता। भगवान करे तेरी गोद में सात सात बेटे खेलें। आशीर्वाद के लिए शुक्रिया माँ। सात बच्चों की माँ कैसी हैं आप? चुप। क्या बताऊं, बुखार अंदर ही अंदर है। अब क्या होगा? माँ सच्ची कहती थी परदेश का मामला है, कोई दवा खाइए। दवा कैसे खाऊं? दिल धड़क रहा है, रगों में खून जोश मार रहा है, बदन का हर हिस्सा टूट रहा है। मैं भी बड़े डॉक्टर साहब को उतार देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, जल्दबाजी नहीं करना। पहले तुम एक तरफ होके बैठ जाओ, अब ये छूत छात का बुखार है, कहीं तुम्हें भी ना चढ़ जाए। मेरी चिंता न कीजिए, अपने आप संभालिए। डॉक्टर सुमति, डॉक्टर पानी पानी, अभी जल्दी आना। डॉक्टर, डॉक्टर,
क्या हुआ सुमति? वो बुखार? हवा हो गया। मैं तो डर गई थी। सुमति, तुम इतनी सी बात पर डर गई? और क्या करती? सुमति, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? भगवान ना करे अगर मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा तो मेरा तड़पता दिल तुम्हें प्यार भरा सलाम लिखकर भेजा करेगा। वो कैसे? आदमी से उसकी शादी करवा दूंगा। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे मालिक, भगवान तुम्हारा भला करे। अबे ओ दसन, कल रात से कहां मर गए थे? सरकार,
कल सारी रात मेरी बच्ची बुखार से बेहोश रही, जान के लाले पड़ गए थे, इसलिए नहीं आ सका। इसलिए नहीं आ सका? तनख्वाह तुमको तुम्हारी बच्ची देती है या मैं देता हूँ? सरकार, तनख्वाह आप जरूर देते हैं, आपका नमक खाया है, लेकिन सरकार औलाद औलाद होती है। कभी आप मेरी बीवी की हालत देखें, सारी रात बच्ची के सराहने बैठी रही, बेचारी की रो रो के आंखें सूज गई। तुम अपनी बीवी का किस्सा छेड़ बैठे हो, यहाँ कल सारी रात मैं दर्शन चलाता रहा हूँ, तुम्हारी बीवी और बच्ची की जान मुझसे ज्यादा कीमती है। एक बार है तो सुनिए, एक बार नहीं लाख बार, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरी बीवी मेरी खिदमत करती है, आपका पैसा नहीं। आप समझते हैं दुनिया में दौलत ही सब कुछ है, अगर दौलत में इतनी ताकत है तो आप अपने इस दर्द का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? सहरा में जहां पानी ना हो वहां आपका 1,00,000 रुपया भी आपको पानी। काश आज आपकी बीवी यहां होती, तब आपको पता चलता कि घर क्या है, घर का आराम क्या है, खून का खून से रिश्ता क्या होता है। मैं जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे इंसान की खिदमत से भी क्या फायदा जिसे अपना दर्द याद, किसी दूसरे के दर्द पर उसकी नजर ही ना पड़े। जब मैं बीमार होता हूं तो मेरी बीवी मेरी खिदमत करती है, आपका पैसा नहीं। आप समझते हैं दुनिया में दौलत ही सब कुछ है, अगर दौलत में इतनी ताकत है तो आप अपने इस दर्द का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? काश आज आपकी बीवी यहां, तब आपको पता चलता कि घर क्या है, घर का आराम क्या है, खून का खून से रिश्ता क्या होता है। लेकिन मेरी दुनिया तो बहुत छोटी सी है, एक आप और ये नन्ही सी जान सुमति, भगवान के लिए एक पाप किया है, अब दूसरे पाप के रास्ते पर कदम मत रखिए। अच्छा, मेरे रास्ते पे जाइए, खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए, चोरी छिपे की जिंदगी गुजारने से तो कैद अच्छी, पाप करने वाला शैतान होता है, पाप करने पछताने वाला इंसान चाहिए। अच्छी दीदी हो, चाहती हो कि खाविन कैद हो जाए? मालिक, देखो मालिक, आज से 15-16 साल पहले यहाँ एक सज्जन धर्मराज रहते थे। धर्मराज? हाँ, और उनकी बीवी का नाम था सुशीला, लेकिन अब उनके मकान का कहीं निशान भी नजर नहीं आता। लाला जी, शहर इसी तरह बसते हैं, आज से 5 साल पहले यहाँ की आबादी 10,000 थी, अब मेरे बच्चा लाला जी नमस्ते। सुशीला, सुमति, कहाँ हो तुम, किधर ढूंढूं तुम्हें? सबके साथी, सबके साथी, सबके साथी, तुम लोग फिर यहाँ आ गए? लेकिन इस दफा अकेले नहीं आए, तुम कौन हो जी? अजी तुम नहीं जी, आप कौन जी? आप? मेरा नाम मधु भी है, सेक्रेटरी सबके साथी। कहिए, आपने इन लड़कों को होटल में दाखिल होने से मना क्यों किया? क्यों किया? हाँ मिस्टर, ये शरीफों का होटल, यहाँ शहर के बड़े बड़े आदमी आते। तो आपसे ये किसने कहा कि ये छोटे आदमी है? शायद जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके बाप के पास चाय बनाने की केतली भी ना हो। बॉस केतली तो क्या हो सकता है, 4 साल पहले ये मेज के ऊपर कपड़ा मारते हो। ए भाई का बराना, ए भाई का बराना, ये कर रहे। इंसान अमीर हो या गरीब, हर हाल में इंसान होता है। मिस्टर, ये भाषण यहाँ नहीं चलेगा। कौम के नौ निहालो, कर दो सत्याग्रह, लेट जाओ साहब, फट जोर से बोलो महात्मा गांधी की। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं बल्कि सिविल डिसोबीडियंस उर्फ सत्याग्रह, उर्फ आत्मा की तो और उर्फ गरीब की फौज। माफ करो भाई, माफ करो, मैं हारा तुम जीते, इन लोगों को उठाओ, मैं सबको चाय पिला दूंगा, पैसे भी नहीं दूंगा। आ, चाय फरोश भीख किसे दे रहे हो? ये मजदूर लड़के हैं, पसीना बहाते हैं और रोटी खाते हैं, इनको रिश्वत देकर क्या अपने जैसा बनाना चाहते हो? उठो जवानो, अटेंशन। लेकिन चाय? चाय? चाय तो पियेंगे। कौन से चाय तो हम पी कर आए, हमारा मकसद तो सिर्फ तुम्हारी अक्ल को ठिकाने लगाना था, आइंदा से हर इंसान को एक बराबर समझना, समझे? और नहीं जी तो अपने उधार खाते में लिख के रखिए। चलाओ चलाओ। क्या मुसीबत,
ये लीजिए 75 रुपये। ये बच्चों के साथ लीडर कौन था? अजी वो शहर के एक रईस का बिगड़ा हुआ लड़का है, खाम खा हर किसी पर अपनी लीडरी का रोब झाड़ता रहता है। ऐसा ना कहो, उसने जो कुछ भी कहा सच ही तो कहा है। इसके दफ्तर का पता क्या है? दफ्तर का पता सबके साथ, लेकिन आप वहां पर मत जाइए। क्यों? किसी ना किसी फंड में 200-400 रुपया आपसे झाड़ लेगा। हो सकता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए साहब, आइए 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 आइए, बैठिए। बस मैं जरा दादर तक जाके आता हूँ। सुना है वहाँ किसी केमिस्ट ने पेनिसिलिन के इंजेक्शन की जगह टूट में पानी भर के बेचा है। मैं जरा उस केमिस्ट के बच्चे के दिमाग के टूट का ऑपरेशन करके आता हूँ। जा सकते हो। थैंक यू बॉस। फरमाइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपके घर में चोरी हुई है या आप अपनी बीवी की तलाश में हैं या किसी ने आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? जी ऐसी तो कोई बात नहीं, सेवा तो मैं करने आया आपकी लीग के लिए। ये एक छोटा सा तोहफा। इसे आप छोटा सा तोहफा कहते हैं? ये तो 100-100 के नोट है। हमारे दफ्तर में पहली बार इतने नोटों के चरण पड़े हैं। लेकिन ये किस सिलसिले में? हमने तो आपकी कोई मदद नहीं। लेकिन आप जनता की मदद जो करते हैं, मुझे आपके असूल बहुत पसंद हैं। काश आप जैसे 200-400 नौजवान और हों तो हमारा ये देश कहां का कहां जा पहुंचे। जरूरी नहीं कि नौजवान ही ऐसे हो, बच्चे बूढ़ों को भी ऐसा होना चाहिए। देखिए ना, ये हमारा बड़ा चाचा खिदमत के मैदान में किसी नौजवान से कम है। आपका शुभ नाम पूछ सकता हूँ? जी मैं नाम लिखवाना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, तो ये गुप्त दान है। लेकिन लिस्ट में नाम लिखना होगा, मैं किसी पर जाहिर नहीं करूंगा। जी मुझे राय बहादुर श्याम बिहारी लाल। डॉक्टर को बुलाओ। इस दर्द का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ऐसा मत कहिए, यहाँ के अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर शंकर के नर्सिंग होम में काम करते हैं। आप उनके पास जाइए, शायद वो आपके रोग दूर कर सके। शुक्रिया, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। नमस्ते जी। लक्ष्मी माई, ऐसा दर्द किसी को ना देना, बेचारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। क्या आप ही डॉक्टर अरुण हैं? जी। बड़ी तारीफ सुनकर आया हूं आपकी। लोग कहते हैं कि भगवान ने आपके हाथ में बड़ी शफा। क्या ये दर्द आपको पहले भी होता है? जी हाँ, जान खा रखी है इस दर्द ने। कितने ही डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, इलाज कर चुका हूँ, लेकिन न मर्ज का पता लगता है न इस दर्द को आराम आता है। लेकिन जब तक मैं आपका अच्छी तरह चेकअप न कर लूं, कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर, एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मुझे जिंदगी इतनी अजीज नहीं, मैं मौत से डरने वाला आदमी नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक मकसद है जो अभी तक अधूरा है, उसे पूरा होने तक मुझे किसी तरह जिंदा रखिए। देखिए, अगर आप मोहलत निकाल कर 10 रोज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं, तो मैं आपके इलाज की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। कहिए, आपकी खिदमत में फीस क्या पेश करूं? फीस किस बात की? जब आप अच्छे हो जाएंगे तो फीस भी ले लूंगा। आप भी अजीब ही डॉक्टर, आजकल के डॉक्टर तो नाम पूछने की फीस मांग लेते हैं। अच्छा, मैं फिर हाजिर हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, बैठिए। शुक्रिया। कहिए, क्या शिकायत है? जिस्मानी शिकायत तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन आपसे एक प्राइवेट बात करना है। आप जरा ठहर के आइए। हाँ फरमाइए। ये साहब जो अभी अभी यहाँ थे, आप उन्हें कब से जानते हैं? वो तो आज पहली बार यहाँ आए थे। उनका नाम? नाम तो मैंने नहीं पूछा। क्या वो फिर आएंगे यहाँ? कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आपको तकलीफ तो होगी, अगर वो साहब फिर आए तो उनका नाम, ठिकाना, पहले वो कहाँ रहते थे, ये सब पूछ रखिएगा। बात क्या है इंस्पेक्टर? डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से एक मुजरिम पुलिस से नजर बचा रहा है, मुझे शक है हो ना हो ये वही आदमी है।
इंस्पेक्टर, शक बहुत बुरी चीज होता है। कभी कभी शक या सिर्फ मौके की शहादत किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। जहां तक मैं समझता हूं, ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, जिसे आप जगबीती कह रहे हैं वो मेरी आप बीती है। मेरे हाथों किसी बेगुनाह को सजा नहीं होगी। आप बीती से आपका मतलब? आज मैं इंस्पेक्टर हूं, लेकिन इससे पहले मैं 2 बरस की सजा भुगत चुका हूं। बाद में निर्दोष समझकर मुझे बरी कर दिया गया, लेकिन रिहाई भी एक सजा ही समझिए डॉक्टर साहब। सजा के उस अरसे में मेरी बीवी मुझसे बिछड़ गई, मेरा इकलौता बच्चा मुझसे जुदा हो गया। जब तक मुझे यकीन न हो जाए ये वही आदमी है, मैं उस पर हाथ नहीं डालना चाहता। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जरूर। शुक्रिया। आबादी से इश्क की रंगी वादी से ये कौन सदा देता है। प्यार भरा एक दिल होगा या कोई बिस्मिल होगा जो अपना पता देता है। दूर बहुत आबादी से इश्क की रंगी वादी से ये कौन सदा देता है। प्यार भरा एक दिल होगा या कोई बिस्मिल होगा जो अपना पता देता है। लहराती सी ये राहें ना जाने किसको चाहे। लहराती सी ये राहें ना जाने किसको चाहे। किसके दीदार की प्यासी है इनकी खुली निगाहें। किसके दीदार की प्यासी है इनकी खुली निगाहें। आबादी से इश्क की रंगी वादी से ये कौन सदा देता है। प्यार एक दिल होगा या कोई बिस्मिल होगा जो अपना पता देता है। पर्वत ऊंचे ऊंचे खामोशी के अफसाने। ये पर्वत ऊंचे ऊंचे खामोशी के अफसाने। क्यों दूर खड़े बस्ती से होंगे ये भी दीवाने। क्यों दूर खड़े बस्ती से होंगे ये भी दीवाने। जाने किसको दीवाना प्यार बना देता है। दूर बहुत आबादी से इश्क की रंगी वादी से ये कौन सदा देता है। प्यार भरा एक दिल होगा या कोई बिस्मिल होगा जो अपना पता देता है।
अरुण अब बच्चा तो नहीं रहा, भगवान की दया से डॉक्टर बन चुका है, उसकी राय लेना भी तो जरूरी है। जी हाँ, अरुण हाँ कर दे तो हम एक दिन अच्छा सा मुहूर्त देखकर खुद आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी पता दीजिएगा। जरूर। अच्छा तो आगे दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माँ। हाँ बेटा। माँ, अगर कोई मेरी शादी के रिश्ते के लिए आए तो उन्हें कह देना लड़की का फैसला हो चुका। ये क्या कह रहे हो अरुण? सच कह रहा हूँ माँ, लड़की मैंने देख रखी है। तो फिर मुझे भी दिखाना, मैं तेरी जल्दी से शादी कर दूँ। नहीं माँ, पहले वादा करो कि मेरी बात नहीं ठुकराओगी, फिर बताऊंगा। तू ही बता, मैंने आज तक तेरी कोई बात ठुकराई? तो सुनो माँ, वो हमारा नर्सिंग होम है ना, वहाँ वहाँ एक लड़की है। डॉक्टर है? बस डॉक्टर से जरा कम, नर्स। नर्स? नर्स डॉक्टर, डॉक्टर नर्स, अच्छी जोड़ी जमेगी। कुछ दिनों के बाद अरे घर में फ्री अस्पताल खोला होगा, चाहे मैं रोजाना बीमार पड़ूं। तो एक जज का लड़का इतना बड़ा डॉक्टर के नर्स से शादी करेगा? नहीं 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 जी, सुना आपने कुछ? सुना जंगला आपका लाडला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है नर्सिंग होम में एक नर्स है। इतने बड़े नर्सिंग होम में सिर्फ एक नर्स, काम कैसे चलता होगा? नर्सें तो बहुत है मगर इसकी एक खास है जिससे ये शादी करना चाहता है। अरुण, क्या ये सच है? पिताजी, मैंने कभी झूठ बोला है? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा तो अरुण, शादी की कौन सी तारीख पक्की करूं? आज ही कर दीजिए ना। भाई मुझे तो कोई इतराज नहीं है। हाँ बेटा अरुण, लड़की के माँ बाप कौन है? पिताजी, उसका बाप तो नहीं है लेकिन उसकी माँ हमारे नर्सिंग होम में ही है। उम्र बढ़ जाने के बाद कैंसर या टीबी हो ही जाती है। बोला बीमार नहीं है वो, हमारे नर्सिंग होम में काम करती है। अच्छा बेटा अरुण, मैं कुछ देर के लिए क्लब जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा, तुम गाड़ी भेज कर उसकी माँ को बुलवा लो। अच्छा बेटा जी। हेलो डॉक्टर अरुण है? जी आप कौन हैं? जी जी मैं सुमति बोल रही हूँ। जी वो तो घर पे ही हैं, लेकिन आपको काम क्या है? जी आप उनसे सिर्फ इतना कि सुमिता फोन है। जी वो तो मैं कह दूंगी, लेकिन आप बताइए ना आपको काम क्या है? एक मरीज के बारे में कुछ कहना है, मैं आपको क्या बताऊँ? बड़े गुस्से वाली हो, मैं अरुण की माँ बोल रही हूँ। क्या जिस बच्चे को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया उसको एक पराई लड़की से इस तरह बात करने दूँ? वाह वाह वाह, माफ करना माँ जी। सुमति, सुमति। दिस इज अरुण हियर, अरुण। ये क्या मजाक है, मेरा तो दिल बैठने लगा था। बड़ी नरम दिल हो, अगर इतनी सी बात पे तुम्हारा दिल बैठ सकता है तो जो बात मैं कहने वाला हूँ जरा दिल थाम के सुनना। क्या जरूरत है, अब मैं नहीं घबराने वाली। तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है? बिल्कुल। तो सुनो, आज मेरी शादी के रिश्ते की बात पक्की हो गई है। क्या? जो कुछ कहा है 100% ठीक कहा है, बल्कि पिताजी ने उस लड़की की माँ को बुलाने के लिए कार भी भेज दी है। जी सुनिए, यहाँ कुमारी सुमति कौन है? क्या बात है? जी मैं जज रामकृष्ण का ड्राइवर हूँ, उन्होंने आपकी माताजी के लिए कार भेजी है। कार भेजी है मेरी माताजी के लिए? जी हाँ। चलो मेरे साथ। माँ, जज रामकृष्ण ने तुम्हारे लिए कार भेजी है, तुम्हें अपने घर पे बुलाया है। माँ मुझे घर पे किसलिए? तुम जाओ ना माँ, वहां जाके सब पता चल जाएगा। अरे दर्जी क्यों हो माँ? किसी किसी अच्छे काम के लिए बुलाया होगा। ठहरो माँ। माँ माँ, इतने बड़े आदमी से मिलने जा रही हो, जरा साड़ी तो बदलो, देखो कितने मैली है। नहीं नहीं जैसे भी है मेरे लिए ठीक है। Thank you.
लक्ष्मी तुम आखिर इतने दिनों के बाद तुम्हें इस घर की याद आई है, कैसे ना आती? माँ हो, एक ना एक दिन तो अरुण का ख्याल आना ही था। कमला बहन, बेटे का ख्याल तो माँ की जिंदगी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अरुण की तरफ से कोई चिंता है। मैं जानती हूँ यहाँ उसकी राह में पलखे बिछाने के लिए आप हैं। लक्ष्मी तुम हो, इतने बरसों दिल पर जो पत्थर तुमने रखा वो तुम्हारा ही हौसला है। अगर माँ के दिल पर पत्थर रखने से बच्चे को खुशी मिल सकती है तो माँ पत्थर तो क्या, पर्वत का बोझ भी उठा सकती है। अगर ऐसा न करते तो अरुण आज वो न होता जो है। ये सब आपके चरणों का प्रताप है। ये क्या कर रही हो? एक अच्छी खबर सुनाओ, तुम इतने बरसों के बाद आई हो लेकिन बड़े शुभ समय पर हम अरुण की शादी पक्की कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा घराना है? मैंने लड़की की माँ को बुलाने के लिए कार भेज रखी है, बस आती ही होगी। अच्छा हुआ, सब बात तुम्हारे सामने हो जाएगी। ये सुमति की माता जी। सुमति की माता जी, अरुण देख तुम्हारे पिताजी अभी तक क्लब से नहीं आए, जाओ जरा जल्दी से लेकर आओ तो। अच्छा माँ। लक्ष्मी, क्या यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया था? क्या बताऊं बहन, किस्मत कोई एक मजाक तो नहीं किया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने भी मुझे त्याग दिया। ऐसा क्यों किया? सुमति छोटी सी थी, मेरी गोद में उसे देखकर उन्हें शक हुआ। पति जेल में और सुमति तुम्हारी गोद में। लक्ष्मी, क्या ये देखकर तुम्हारा पति तुझे शराब को बिठा लेता? कमला बहन, कमला बहन आगे कुछ न कहना, पहले मेरी सुन लो। लक्ष्मी, जो तुझे कहते हुए लाज नहीं आ रही वो मुझे सुनते हुए आ रही है। लेकिन बहन, मैं सुमति की माँ इसी तरह हूँ जिस तरह आप अरुण की माँ है। पाप पर पर्दा डाल रही है, तुम्हारे पास इस बात का सबूत ही क्या है? ये तो दूर की बात है बहन, अगर तुम मुझसे पूछो कि अरुण मेरा बेटा है या नहीं तो मेरे पास इस बात का भी क्या सबूत है? लक्ष्मी, तुम इतनी भोली नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझती थी। इतने वर्षों तुम अरुण से दूर रही हो लेकिन एक दिन उसे यहाँ से ले जाने के लिए तब से ताना बाना बुनती आई हो। बेटे को अपनाने का और कोई रास्ता नहीं मिला तो उसे दामाद बनाकर यहाँ से ले जाना चाहती हो। दामाद? किसका दामाद? तो क्या अरुण के दिल में सुमति के प्यार की आग तुमने नहीं भड़काई? क्या कह रही हैं आप, मुझ पर आकाश टूटे। अगर मुझे पता भी हो कि अरुण और सुमति एक दूसरे को चाहते हैं, ये सब बात ही मेरे लिए नहीं है। मैं कोई जाल नहीं चाहती। जाल नहीं चल रही तो जाल काहे को बिछाया है? नहीं नहीं, मुझे अरुण की सौगंध जो मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही हूं। मेरे अरुण का नाम तुमने अपनी गंदी जुबान से लिया ना, जुबान भूल से उसका नाम जुबान पर आ गया। आज तक तो दिल ही दिल में उसका नाम लेती रही हूँ। तुम्हें दिया हुआ वचन इस तरह से निभाया है, वो जब जब मेरे सामने से गुजरा जी भर के मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी, लेकिन उसके चले जाने के बाद उसके पांव के निशानों को चूमती रही। वो आखिर मेरा खून है, वो मेरे सुहाग की निशानी है। वो सुहाग का नाम और तेरे होने पर पतिव्रता के शब्द को कलंक लगा रही है। कह लो बहन, जो कहना है वो कह लो। जब मेरे सुहाग के मालिक ने मुझे गलत समझा तो अब दुनिया की जबान से ऐसे शब्द सुनकर दिल क्या दुखेगा? लक्ष्मी, तू लाख शब्दों से खेल लेकिन सच्चाई हिंदुस्तानी स्त्री के चेहरे पर होती है। तेरी सूरत कहती है कि तू नीच है, गिरी हुई है। तुमने अपने भगवान को धोखा दिया तो और किसी से अच्छा बर्ताव क्या करेगी? निकल जा यहाँ से, और फिर इस घर की तरफ भी देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। रहने के लिए कब आई थी? जाती जाती, लेकिन याद रखो बहन, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अब मेरी तपस्या का फल नहीं दे सकता तो मुझे सजा भी नहीं देगा। लक्ष्मी माँ जी, जरा सुनो। क्या बात है? अच्छा, दुनिया भी क्या क्या रंग बदलती है। माँ, क्या हुआ? माँ, वो सुमति की माता जी। अरुण, तुम सुमति से शादी नहीं कर सकते। क्यों? बेटा, ये रिश्ता वाजिब नहीं है। इसलिए कि सुमति की माँ गरीब है, इसलिए कि वो जहेज नहीं दे सकती। अरुण, भगवान का दिया हुआ इस घर में सब कुछ है, फिर हमें जहेज का लालच क्यों? तो फिर रास्ते में और कौन सी दीवार है? बेटा, कह जो दिया ये शादी नहीं हो सकती। अरुण, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, कारण मत पूछ। बेटा, इस जन्म में तेरी शादी सुमति से नहीं हो सकती। माँ बाप औलाद के दुश्मन नहीं होते, औलाद की भलाई चाहते हैं। ये रिश्ता किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। लेकिन मजबूरी क्या है माँ?
बात को बढ़ा न दिया था। अगर तू मेरी इच्छा पूरी कर सकता है तो कर दे, अगर नहीं कर सकता तो पहले मेरा गला घोट दे और फिर सुनते से शादी कर लेना। मैंने हमेशा आपकी आज्ञा के सामने सर झुकाया है और ना कभी सर उठाऊंगा, लेकिन एक बात कह दूं, अगर मैं सुमति से शादी नहीं कर सकता तो सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। माँ, माँ, जज साहब ने तुम्हें क्यों बुलाया था, वहां क्या बात हुई? ये पूछ के क्या बात नहीं हुई, लेकिन बताओ तो सही माँ, बड़े प्यार भरे शब्दों से उन्होंने मेरा स्वागत किया। आज तक इतने सुंदर शब्द मेरे लिए किसी ने नहीं कहे। क्या कहा माँ, कुछ मैं भी तो सुनूं। मुझे नीच कहा, चालबाज कहा, गिरे हुए स्त्री का खिताब दिया माँ, और घर से निरादर करके निकालने से पहले ये भी कहा कि मैं अपनी बेटी के सुख के खातिर उनके बेटे को बहका रही हूँ। नहीं सुमति, बोल क्या तुझे पता न था उन्होंने मुझे वहां क्यों बुलाया है? बोल, चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? मैं जानती थी तो जानबूझकर मेरे सफेद बालों में यह रख दो। डॉक्टर अरुण के सपने देखने से पहले ये तो सोच लिया होता तो यह गर्म भी गर्म की लड़की। माँ, हाथ क्यों रोकती हो? मारो, मुझे और भी मारो, मेरे कारण तुम्हारा निरादर हुआ है, तुम्हारी बेइज्जती का सौदा मैंने किया है, मारो बाप, मुझे मारो। सुमति, जिस हाथ से मैं परसों तुझे लोरी देती रही वो हाथ आज पहली बार मैंने तुझ पर उठाया, तू समझ सकती है कि मेरा दिल कितना दुखी होगा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर, न तेरा कसूर है न किसी का, लेकिन अरुण को अपने दिल से निकाल दे। गरीब के चौखट का रिश्ता अमीर के महल से नहीं हो सकता, दूर के ख्वाब देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद न कर। भूल गया अरुण को बेटी, भूल गया माँ। सुमति, चलो घर चलो, बारिश होने वाली तो क्या होगा, दिल के अंदर इतनी आग भड़क रही है कि ये बारिश तो क्या, आसमान भी फट पड़े तो भी बुझा नहीं सकता। सुमति, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ। कोई जरूरत नहीं, अब मेरे दिल की आग आपके खुफिया शब्दों की रेत ठंडा नहीं कर सकती। दोष मेरा था जो गरीबी के पुल को पार करके अमीरी के किनारे तक पहुंचना चाहती थी। मैं नादान थी, मगर आपने इशारा कर दिया होता कि ये कोशिश मत करो, इस कोशिश का अंजाम मौत है, बर्बादी है। सुमति, मेरे जख्मों पे नमक न छिड़काओ। छोड़ दीजिए, मुझे छूकर कहीं आपके हाथ मैले ना हो जाए। क्या कह रही हो तुम, तुम्हें छोड़ने से पहले दुनिया ना छोड़ दूंगा? अरुण बाबू, आज तक गरीबों की मोहब्बत दीवारों ही में चुनवाई गई है, आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, मेरी दुनिया सिर्फ एक छोटा सा दिल है और वो भी टूट चुके हैं। सुमति, कुछ तो ख्याल करो, इतनी रात गए ये तमाशा किसने देख लिया तो रही से इज्जत भी मट्टी में मिल जाएगी। जाओ घर जाओ। डॉक्टर साहब, आप बड़े लोग हैं लेकिन एक तरह से मैं आपकी माँ की बराबर हूँ, इज्जत में न सही उम्र में तो हूँ। आप अगर किसी गरीब का भला चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सुमति को भूल जाएं, और सुमति आप अपने प्यार के लिए माँ के प्यार से कुर्बानी न दीजिए। बच्चों के शादी ब्याह पर माँ बाप का अधिकार होता है, जाइए उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। अरुण, बारिश हो रही है, भीग जाओगे। माफ करना,
नाम ले लीजिए। डॉक्टर साहब ठहरिए, मैं आपके लिए छाता ले आती हूँ। जी नहीं, मेरी माँ ने मेरे शरीर में इतनी शक्ति दे रखी है कि ये बारिश तो क्या बड़े बड़े तूफानों को भी सह सकता है। एक समय पर दो बरसाते, एक समय पर दो बरसाते, बादल के संग आग भी बरसे, चारों ओर है जल थल जल थल, चारों ओर है जल थल जल थल, फिर भी जासा मनवा करते, एक समय पर दो बरसाते। उमड़ घुमड़ जब छाई घटाए, नीजब से गा सबने जाना, उमड़ घुमड़ जब छाई घटाए, नीजब से गा सबने जाना, कोई न जाने दिल में तूफान कब आ जाए, और किधर से एक समय पर दो बरसाते। आग लगी है दिल में लेकिन देख रहा है आँख का पानी, आग लगी है दिल में लेकिन देख रहा है आँख का पानी, शोलों के तंग बहती नदियाँ, निकल रही है एक ही घर से, एक समय पर दो बरसाते, बादल के संग आग बरसे, चारों ओर है जल थल जल थल, फिर भी जासा मनवा करते, एक समय पर दो बरसाते। सुमति, डॉक्टर अरुण कब आएंगे? मुझे क्या मालूम, मैं डॉक्टर अरुण की प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। नर्स, मरीज के चार्ट पर कुछ भी नहीं लिखा, सुबह 9 बजे से दवा देनी थी, दी गई या नहीं? I'm sorry, मैं भूल गई। क्यों? मैं परेशान। देखो नर्स, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम नर्स, हम यहाँ अपने दर्द रोने को नहीं बल्कि दूसरों के दर्द को दूर करने के लिए आते हैं। मरीज को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, आइंदा के लिए ख्याल रखना। हॉस्पिटल है, मैं यहाँ एक नर्स हूँ, यहाँ किसी दूसरे के दर्द को दूर करना मेरा फर्ज है। सुमति,
ऑपरेशन का वक्त हो गया। I said knife. Spirit doctor. Oh. अरुण, क्या कभी बच्चे भी माँ पे बिगड़ते हैं? आज तुम हवा बदली के लिए प्रदेश जा रहे हो, माँ को नमस्ते करना भी भूल गए। उल्टे सीधे सवाल करके बच्चे को क्यों परेशान करती हो? 10-15 रोज के लिए पहाड़ पर जा रहा है, हंसी खुशी जाने दो। आओ बेटा, चलो बेटा आओ। अरुण बेटा, किसी ने कहा है और खूब कहा है कि ना उम्मीदी से न घबरा, जिंदगी की राह में कौन जाने जल पड़े फिर से उम्मीदों के चराग। आदमी का काम है ख्वाहिश करना, मगर ख्वाहिश को पूरा करना तो भगवान के हाथ में है, होगा वही जो मंजूर है। जी पिताजी। जीते रहो बेटा। Thank you.
राय बहादुर श्याम बिहारी लाल कहते हैं, क्या मैं डॉक्टर अरुण से मिल सकता हूँ? डॉक्टर अरुण तो छुट्टी पर गए हुए हैं, लेकिन वो मुझे आपका केस समझा गए हैं। सुमति, इन साहब को स्पेशल वार्ड ले जाओ। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। ये है आपका कमरा। कमरा तो अच्छा है। नर्स, अगर तकलीफ ना हो तो ये कैलेंडर बदल कर दूसरा लगा दो। क्यों, अच्छा कैलेंडर है? बहुत कम सा है। तो फिर और भी अच्छी बात है, अपने घर जैसा आराम मिले, मरीज का मर्ज जल्दी अच्छा हो जाता है। सच कहती हो बेटी, लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने से मेरा दर्द और भी बढ़ जाता है। मैं महसूस करता हूँ कि मेरी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक कमी है। शायद आपने अपना घर संसार नहीं बसाया। कुछ ऐसी ही बात है बेटी। कोई बात नहीं, मैं भी बदल देती हूँ। लीजिए। नहीं बेटी, दवा पी पी कर तो थक गया हूँ। ये क्या, दवा नहीं पियेंगे तो अच्छे कैसे होंगे? दवा से ज्यादा तो तुम्हारी सेवा काम कर रही है। ओहो, जिस वक्त देखो मेरी तारीफ। लीजिए, पी लीजिए। इस हफ्ते आपको तो आराम रहा है। आराम क्यों ना रहता बेटी, तुम भी तो मेरी सेवा ऐसे कर रहे से एक बेटी अपने बाप की करती है। कितना खुश नसीब होगा वो बाप जिसकी कि तुम बेटी हो। मालूम है, ये तो किसी औरत का एक्सरे है। मैं भी आपका एक्सरे लाती हूँ। साहब, देखा आजकल के बच्चों को? सुमति जब गोद में थी तो इसकी माँ इसे यहाँ लेकर आई थी। मेरी ही सिफारिश से डॉक्टर साहब ने इसकी माँ को नौकरी दी थी और आज ये इसी अस्पताल में नर्स बनकर मुझ पर हंसती है। सुनिए, ये कितने साल पहले की बात है? कोई 16 साल की बात है। 16 साल? सुमति, एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? बाप तो नहीं, लेकिन मैं इसी अस्पताल में काम करती हूँ। मुझे उनसे मिलाओगी? क्यों नहीं, अभी फिलहाल कर लाती हूँ। अच्छा, उन्हें क्यों तकलीफ देती हो, मैं खुद ही चलता हूँ। आइए, आप जरा ठहरिए, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। माँ, माँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये है मेरी माता जी। नमस्ते, यूं ही आपके दर्शन करने चला आया था। अच्छा, इजाजत लेता हूँ। ये क्या, वहां तो आप मेरी माँ से मिलने के लिए इतनी बेचैन थे और अब आते ही चल दिए। आप कुछ खोए से क्यों हैं? माफ करना बहन, रात के अंधेरे में रास्ता भूला हुआ मुसाफिर चुगनू की चमक को भी मंजिल की रोशनी समझ लेता है। मैं समझी नहीं। मैं यहाँ कुछ और सोच कर आया था। आज से कई साल पहले मैं अपनी नादानी से अपनी बीवी और बच्ची को यतीमों की तरह छोड़कर कहीं चला गया। जब आँख खुली तो उनकी तलाश में निकला, लेकिन गुजरा वक्त कब हाथ आता है। लेकिन अपनी बीवी और नन्ही सी बच्ची को छोड़ते वक्त आपका दिल क्या पत्थर का बना हुआ था? एक मासूम और एक अबला पर जुल्म करते हुए आपको ये ख्याल ना आया कि भगवान कभी इसकी एक ही सजा आपको जरूर देगा? मुझे अगर पता होता तो मैं डॉक्टर साहब से कह देती कि आपके दर्द का इलाज हर किसने करी। सुमति, शर्म नहीं आती बड़ों के सामने इस तरह जबान खोलते हुए? बहन, इसे डांटो नहीं, अगर इस वक्त मेरी अपनी बच्ची भी मेरे सामने होती तो वो मुझे ऐसे ही कोसती। लेकिन ये बात कब की है? 16 साल हो गए इस बात को। इतना अरसा? आप रहने वाले कहाँ के हैं? जो देश छूट गया फिर उसका नाम क्या लेना। आपके पास अपनी बीवी या बच्ची की कोई निशानी है? एक निशानी तो दिल में है जिसे मैं दिखा नहीं सकता, दूसरी ये पुरानी तस्वीर है, देखिए। सुशीला भैया, तुम्हारा संसार अब अधूरा रह गया है, सिर्फ तुम्हारी बच्ची। मेरी बच्ची? क्या हुआ मेरी बच्ची को?
जल्दी बोलिए। उससे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारी सुशीला तुमसे बहुत दूर जा चुकी है। धीरज रखो भैया, प्रायश्चित बलिदान तो मानता ही है। लेकिन मेरी बच्ची का क्या हुआ? बोलिए, कहाँ है वो? घबराओ नहीं भैया, अभी मिला दिया। तुम जाके सुनो भैया, किस्मत कदम कदम पर मुझसे कुर्बानी मांगती आई है। एक और भैया, कभी कभी ऐसा था कि चिराग के पास बैठ कर भी आदमी अंधेरे में रहता है। ये नर्स जो इतने दिनों से आपकी सेवा कर रही है, यही आपकी बच्ची है। क्या माँ? सुमति मेरी बेटी है, सुमति मेरी बच्ची है। सुमति माँ, क्या तुम मेरी माँ नहीं हो? सुमति, इस वक्त मैं अपने पिता के मिलने की खुशी होनी चाहिए। नहीं माँ, पहले बोलो क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? सुमति, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन तुम्हें जन्म देने वाली है। सुमति, मैंने तुम्हारी माँ के साथ अन्याय किया, अपने जीते जी तुम्हें अनाथ बना दिया। मैं शैतान था, लेकिन जब मेरे दिल में दबी हुई इंसानियत जागी तो तुम्हारी माँ से माफी मांगने आया, लेकिन वो बहुत दूर चली गई, उसे तो वापस नहीं बुला सकता। लेकिन कम से कम अपनी माँ की तरफ से एक बार कहो कि तुमने मेरे गुनाहों को माफ किया। बेटी, कहो तो ये पापी बाप तुम्हारे पाँव की धूल उठाकर तुमसे माफी मांगे। सुमति, तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारे लिए जितने अरमान थे वो सब मैं पूरे करूंगा। बहन, आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है, पराई औलाद को इस तरह पाला है कि कोई माँ अपने बच्चे को क्या पालेगी। बहन, मैं जिंदगी भर तुम्हारे चरण धोकर पीऊंगा, चलो मेरे साथ। मेरे पास दुनिया भर की दौलत है, कोठियां हैं, बंगले हैं, अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। माफ करना भैया, मेरा फर्ज पूरा हो गया, आज मैं तीरथ नहीं, आप सुमति को ले जाइए। नहीं माँ, नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। भैया, इसे समझाओ, अब मेरी एक ही आशा है, सुमति को कोई अच्छा जीवन साथी मिले। लेकिन जब तक मैं इसके पास रहूंगी, एक गरीब नौकरानी की लड़की समझकर कौन इसका हाथ पकड़ेगा? माँ, मुझे जीवन साथी मिले या न मिले, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, नहीं जा सकती। सुमति, सुमति, मैं तुमसे दूर तो नहीं जा रही, सदा तुम्हारे पास ही तो हूँ। सुमति, इनका ख्याल मैं रखूंगा, ये तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें आंखों से दूर कर रही है, दिल से तो नहीं बेटी? हाँ बेटी, अगर तुम अब भी मुझे माँ के समान मानती हो तो फिर माँ की आज्ञा मानो, अपने पिता का संसार बसाओ, मेरा आशीर्वाद दिन रात तुम्हारे साथ है। जाओ बेटी, जाओ। माँ, भैया, जब तक इसकी शादी न हो ले, किसी से ये न कहना कि सुमति को मैंने पाला, कहीं मेरी गरीबी की परछाइयां इसकी खुशियों पर न पड़े। सुमति, सुमति, आओ बेटी। गणेश, चंदू, ये हमारी बिटिया रानी, गाड़ी से सामान निकाल लो। अब आओ बेटी। कितना बड़ा बंगला है। जो कुछ भी है तुम्हारा ही है बेटी, आज तक एक भूत की तरह मैं अकेले इस घर में चक्कर लगाया करता था, शुक्र है भगवान का कि आज इस घर में रौनक हुई। जाओ बेटा, ऊपर जाकर ये कपड़े और जेवर बदल कर। कितने बरसों के बाद आज मुझे ये एहसास हो रहा है
कि मैं भी एक बाप हूं, मर जाऊंगा तो कोई मेरा भी नाम लेने वाला होगा। हेमराज, हेमराज, कौन हो? मेरा नाम धर्मराज नहीं, किससे मिलने आए हो? तुमसे, धर्मराज से। तुम अपना नाम और हुलिया बदल के दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने पुराने साथी शेखर को नहीं। ओ शेखर, माफ करना, मैं तुम्हें पहचान न सका, लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है? आज जिस हाल में तुम मुझे देख रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसके जिम्मेदार तुम हो। आहिस्ता बोलो शेखर, आहिस्ता। तुम तो उस वक्त अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, कभी ये भी ख्याल आया कि तुम्हारे नमक राज साथी कहाँ है? शेखर, भूल जाओ वो पुरानी बातें, मैं वो भद्दी का रास्ता कब से छोड़ चुका हूँ। लेकिन तुम्हारे पुराने जुर्म तुम्हारे साथ लगे हुए, मैं पुलिस को खबर करके सब कुछ बता दूंगा। मुसीबत में आदमी को दोस्त भी दुश्मन नजर आता है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। ये मत पूछो कि मुझे क्या चाहिए, कहो कि तुम देख। मैं अपने पुराने साथी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ये लो। लेकिन शेखर, मैं कौन हूँ क्या हूँ ये किसी को पता ना चले। कई वर्षों के बाद मैंने एक खुशी का मुंह देखा है, वो खुशी मुझसे मछी है। बस खुशी की कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। मैं जब भी और जब भी चाहूँ मुंह मांगी रकम लूंगा। क्यों नहीं, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मेरी नहीं, अपनी। कौन जाने कल क्या हो, मुझे अपना फर्ज फौरन पूरा कर देना चाहिए। क्या है, चलो गाड़ी में बैठो। स्पेशल के बैग में रख लिया। गुड मॉर्निंग अरुण साहब। गुड मॉर्निंग। कहिए, सबके साथी आपकी क्या मदद कर सकता है? घर में चोरी हुई है या लड़का फिल्म कंपनी में भर्ती होने के लिए घर से भागा है? जी, लड़का तो नहीं भागा, लेकिन मेरा छोटा भाई दो रोज से घर से गायब है। मधु बीए उसका नाम है। ओ भैया, माफ करना भैया, मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था, माफ करना। लेकिन महापुरुष, जरा ये तो बताओ कि दो रोज से घर पे क्यों नहीं आए? माँ इतनी चिंता करती है कि खाना तक नहीं खाती। भैया क्या करूं, सोशल सर्विस करने वाले की एक माँ नहीं होती, हर दुखी हमारी माँ, हर दुखी हमारा बाप। जब तक सबके साथी के लिए 10 लाख रुपए की रकम जमा ना कर लूं, भूख प्यास, हंसी खुशी, खेल तमाशा, गरज की दुनिया का हर आराम मेरे लिए हराम है। माँ से कह दो फिक्र ना करें, थोड़े दिनों के लिए ये समझ लें सिर्फ तुम ही उनके बेटे हो। बड़ा बेटा प्यार के लिए, छोटा बेटा संसार के लिए और कंट्री। नमस्ते मधु साहब। नमस्ते जी। ओ राय बहादुर साहब, आइए बैठिए। शुक्रिया। बड़ी हैरानी की बात है कि मधु साहब आपके भाई निकले। और आप मधु को जानते हैं? भैया, मैंने ही तो इन्हें आपके नर्सिंग होम में भेजा था। अच्छा। भैया बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे काम के लिए रुपए को हाथ की मैल समझकर दे देते हैं। आपने सबके साथी को 10,000 का दान दिया। अजी छोड़िए मेरी तारीफ को, देने वाला तो मालिक है, मैं कौन। लेकिन आप दोनों भाइयों के मिजाज में कितना फर्क है। अजी फर्क जैसा फर्क, ये आसमान मैं जमीन। डॉक्टर है तो कमाल के, आदमी है तो लाजवाब। माँ बाप की सेवा ऐसी करते हैं, देखने वाला ये समझे कोई धार्मिक फिल्म देख रहा है। और मैं मेरी भली पूछी राम भरोसे ही समझो। हेलो जी, बुद्धू साहब। ओह माफ करना, सिद्धू साहब, फरमाइए जी। आपकी बेटियों का झगड़ा हो गया? ओह माफ करना, बेटियां नहीं बीवियां। अच्छा, दो दो है, माशाल्लाह, मुबारक हो। देखिए मैं जब तक ना पहुंचू, आप जरा झगड़े को कंटिन्यू रखिए। जी मेरा मतलब है डिप्लोमेसी से काम निकालिए। भैया मैं चलता हूँ, जरूरी बुलावा है, शाम को घर पे आ जाना। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा साहब, देखिए कितना फुर्तीला है, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए। राय बहादुर साहब जी, उस दिन आपके चले जाने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर सुंदरलाल आपके चाल चलन के बारे में कुछ पूछने आए थे। पुलिस इंस्पेक्टर सुंदरलाल मेरे बारे में? आपने क्या कहा? जी मैंने कहा ज्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन बातचीत में वो बहुत शरीफ नजर आते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आज आपका थोड़ा सा वक्त जाया करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बड़ी दर्दनाक कहानी है आपकी। हर आदमी जन्म से अच्छा होता है, लेकिन हालात उसे बुरा बना देते हैं। आपकी बीवी और बेटी अब कहाँ हैं? बीवी तो दूसरी दुनिया को चली गई, और बेटी को एक देवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। भैया जब तक इसकी शादी न हो जाए,
किसी से ये न कहना कि सुमति को मैंने पाला। डॉक्टर साहब, अब तो जिंदगी में एक ही अरमान बाकी रह गया है कि अपनी बेटी का हाथ किसी अच्छे घर के आदमी के हाथ में देकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन आप जैसे अमीर आदमी के लिए एक अच्छा लड़का मिलना कौन सी मुश्किल बात है? डॉक्टर साहब, दौलत से दिल की खुशी नहीं खरीदी जा सकती। दौलत अगर एक नेमत है तो लानत भी है। अक्सर गरीब लड़कियों को अच्छे लड़के मिल जाते हैं और अमीर घरानों की बेटियां कमारी ही बैठी रहती हैं, और फिर दिन रात पुलिस मेरा पीछा भी तो कर रही है। ऐसी हालत में मैं लड़का ढूंढने कहां जाऊंगा? और डॉक्टर साहब, अगर कोई लड़का मिल भी गया तो मुझे यकीन है कि वो आपसे अच्छा नहीं हो सकता। मुझसे नहीं यार बहादुर साहब, मेरे बारे में ये मत सोचिए। इसलिए कि आप जान चुके हैं कि मैं क्या हूं। लेकिन अरुण बाबू, मेरी बेटी पर तो मेरी परछाई भी नहीं पड़ी। उसने जब से होश संभाला है उसे किसी और ने पाला है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि उसका बाप एक गुनहगार है या पुलिस उसका पीछा कर रही है। गुनाह मैंने किए हैं, लेकिन मेरे गुनाहों से मेरी बेटी का क्या वास्ता? ये बात नहीं राय बहादुर साहब, शादी दो दिलों के मिलाप का नाम है, और वो दिल जो कभी मेरा था अब वो किसी और का है। डॉक्टर साहब, मैंने आपको एक फरिश्ता समझकर आपके सामने अपने गुनाहों का इकबाल किया है। पुलिस मेरा पीछा कर रही है, कानून की नजरों से मैं कब तक छुपता रहूंगा? जिस दिन मैं पकड़ा गया उस दिन मेरी बेटी की जिंदगी खाक में मिल जाएगी। एक सदा याफ्ता बाप की बेटी से शादी कौन करेगा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप दुनिया में लोगों के रोग दूर करते, मुझे भी एक रोगी समझकर मेरी मदद कीजिए, वरना मेरी मासूम बेटी का अंजाम उन्हीं बेसहारा लड़कियों की तरह से होगा जो ठोकरे खा खा कर अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर हो जाती। डॉक्टर, डॉक्टर, एक शैतान आपसे कह रहा है कि एक इंसान को बचा लो। मैं मजबूर, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। काश कि मेरी जिंदगी में कोई और ना आया होता तो मैं अपना हाथ बखुशी आपकी तरफ बढ़ा देता। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप मजबूर हैं तो किसी तरह अपने छोटे भाई मधु को अपना लीजिए, मैं अपनी सारी दौलत उसे दे दूंगा। इस बात का फैसला तो मधु ही कर सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से उस पर पूरा पूरा जोर डालूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। डॉक्टर, प्रिया डॉक्टर साहब, बेटी सुमति, मैं तुम्हारा रिश्ता एक जगह तय करके आया हूँ, वो लोग अभी अभी तुम्हें देखने आ रहे हैं। पिताजी, क्या आप मुझे बोझ समझकर इतनी जल्दी इस घर से रुखसत करना चाहते हैं? बेटी, कन्या तो जन्म ही से पराया धन होता है, और फिर ऐसा खानदान रोज रोज तो नहीं मिल सकता। जज रामकृष्ण और उनकी पत्नी बस आते ही होंगे। जज रामकृष्ण? लेकिन पिताजी, वो लोग तो मुझे पहले ही ठुकरा चुके हैं। ठुकरा चुके हैं? क्या तुम उन्हें पसंद नहीं आई थी? मुझे तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं, सिर्फ माजे की गरीबी रास्ते में आ गई। ओ, समझा। लेकिन बेटी, अब तो एक गरीब माँ की नहीं बल्कि राय बहादुर श्याम बिहारी लाल की बेटी, अब वो कभी इनकार ना कर सकेंगे। अभी अभी डॉक्टर अरुण का टेलीफोन आया था कि जस्सा और उनकी पत्नी अभी तुम्हें देखने के लिए आ रही। डॉक्टर अरुण का फोन? हाँ बेटी, फरिश्ता आदमी है फरिश्ता, मेरा तो रोम रोम से दुआएं दे रहा है। राय बहादुर साहब, माफ कीजिएगा हमें देर हो गई। हाँ ये जैसा, बेटी इनके पांव छुओ। जीती रहो बेटी, जीती रहो बेटी। राय बहादुर साहब, कितनी प्यारी बच्ची है आपकी, आज से ये हमारी हो गई। देख क्या रहे हैं आप, सुमति के गले मिलिए ना। माँ, माँ, माँ। सुमति, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। माँ, वो छोटे डॉक्टर है ना, उनके साथ मेरी क्या? हाँ माँ, हाँ, उनके माता पिता ने मुझे देखकर मेरी शादी भी पक्की कर दी है। क्या, अरुण से तेरी शादी पक्की कर दी? तो मान गए। जल्दी चलो माँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे
मेरी ऐसी किस्मत कहा। चलो भी माँ, काश मैं तुम्हारी शादी में आ सकती। पर क्यों? कारण न पूछ बेटी, शादी के बाद सब बता दूंगी। क्या कह रही हो माँ? बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बरसों की आशा पूरी हो रही है। अरे ये क्या पगली, मैं महान हुई तो क्या हुआ? मेरी ममता और मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ होगा। माँ माँ बात मान गए, क्या धूमधाम से अपने लिए साथी ला रहे हो। लेकिन बात सबके साथी भी नहीं भूल जाना। और जब चलो तो बहुत देर हो गई। सुमति सबके घर जाते ही हमें भूल न जाना। सुमति बेटी, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। भैया मधु, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। भैया मैं भी। जवाब दो वरना सख्ती से काम लूंगा। इंस्पेक्टर साहब बोलो। ये रुपए मुझे एक ऐसे आदमी ने दिए हैं जिसकी तलाश में पुलिस बरसों से परेशान है। कौन है वो आदमी, बोलते क्यों नहीं? धर्मराज। धर्मराज श्याम बिहारी लाल। सुन रही हो सुमति, बैंड बाजे बजाकर तुझे लेने आया है, ये लो। क्या मुसीबत है, कहाँ फंसा दिया मुझे? मैं दूल्हे का बड़ा भाई। भैया कृष्ण के लड़के मधु के साथ। लेकिन मेरी किस्मत के साथ ये मजाक किसने किया? मैं समझा नहीं बेटी, ये शादी की तजवीज किसकी तरह से हुई थी? लेकिन बेटी बात क्या है, मेरे कहने से अपने छोटे भाई के लिए तुम्हारा ये रिश्ता डॉक्टर अरुण ने पक्का किया। डॉक्टर अरुण? हाँ सुमति, गुनहगार मैं। यहाँ भी मुझे चैन से न रहेगी, कहीं मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? कौन से जन्म का बदला आप मुझसे ले रहे हैं? मैं बदला नहीं ले रहा सुमति। तो क्या एहसान कर रहे हैं? शायद ये सोचा होगा कि अनाथ लड़की हूं, मुझे दुनिया में कोई सहारा नहीं मिलेगा, इसलिए रहम खाकर अपने छोटे भाई से रिश्ता करवा दी, ताकि उम्र भर आपके घर में आपकी नजरों के सामने रहूं, आपको देखते रहूं, चलते रहूं। नहीं नहीं सुमति, सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और ही गया। लेकिन बेटी ये सब क्या है? पिताजी आप नहीं जानते, मैं दिल ही दिल में अपने जीवन का साथी नहीं समझ रखा था। मैं समझती थी कि मेरी किस्मत आप इनके हवाले कर रहे हैं, और जहां तक मेरे मन का संबंध है, मैं कब से इनकी हो चुकी हूँ। पूछिए
ये सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने मुझे इस आग में क्यों धकेला? बदनामी और निराशा की मंजिल पर लाके मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे बर्बाद करने के लिए अपने भाई के अरमानों पे क्यों खेला? पूछिए पिताजी, पूछिए। अब देख क्या है, देर नहीं बल्कि ये पूछिए कि अंधेर किस बात का है। क्यों डॉक्टर अरुण, एक दुखी आदमी के दिल पर ऐसे मरहम रखते हैं? क्यों बेटा अरुण? माँ, कभी कभी इंसान भलाई की कोशिश करता है लेकिन अंजाम बुरा होता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की जिसकी शादी मधु से हो रही है वही सुमति है जिसका हाथ मैंने अपने लिए मांगा था। सुमति, तो क्या ये उस नर्स लक्ष्मी की बेटी है, राय बहादुर की? नहीं नहीं नहीं, सुमति मेरी बेटी है, मेरी अकलौती बच्ची। सब समझता हूँ, आखिर मैंने भी 25 साल के चहरी में काटे हैं, कोई भार नहीं झोंका। राय बहादुर, तुमने और लक्ष्मी ने मिलकर मेरे खिलाफ ये साजिश की है। जज साहब, आदमी साजिश कर सकता है लेकिन इंसाफ तो भगवान के हाथ में होता है। सुमति मेरी बेटी नहीं बल्कि राय बहादुर की बेटी है, बचपन से ही मैंने इसे पाला था। हाँ जज साहब, सुमति मेरी बेटी है, लक्ष्मी तो इसकी धर्म माँ है। जज साहब, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अरुण और सुमति एक दूसरे को चाहते हैं। चुप रहिए, यह रिश्ता नहीं होने का, मैं इस चुड़ैल को जानती हूँ, कदम कदम पे कोई ना कोई फितना। चुप हो जाओ, ऐसी बातें ना कहो। मैंने हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानी है, अपने अरमानों का खून करके भी होंठ नहीं खोले। हाँ सु पीता रहा मगर उफ तक नहीं की, दिली दिल में जलता रहा लेकिन उसकी तबीज किसी को महसूस नहीं होने दी। आखिर मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं, कब तक चुप रहूं? माँ, आज तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा कि तुम हर वक्त इस देवी को क्यों कोसती रहती हो, मेरी शादी सुमति से क्यों नहीं हो सकती? मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं हो सकती? सुंदरलाल, क्यों धर्मराज, आखिर मुलाकात हो ही गई। सुंदरलाल, मुझे सिर्फ 2 मिनट की मोहलत दे दो, किसी गलत फहमी की वजह से मेरी अकलौती बच्ची की शादी रुक रही है, मुझे उसे दूर कर लेने दो, फिर मैं अपने आप को खुद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। भेड़िया और रहम की भीख मांग रहा है। सुंदरलाल, इस वक्त धर्मराज नहीं बल्कि एक दुखी बाप तुम्हारे कदमों में पड़ा, तुम्हारे भी औलाद होगी। मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद का वास्ता देकर कहता हूँ कि मेरी इज्जत रख लो। मेरी औलाद का वास्ता दे रहे हो? एक ही तो था मेरे घर का चिराग जो तुम्हारे कारण मुझसे बिछड़ गया, मेरी बीवी मुझसे बिछड़ गई, और आज अपनी बेटी के लिए तुम उस आदमी से भीख मांग रहे हो जिसके हरे भरे बाग को तुमने लूट कर वीरान कर दिया। सिर्फ 2 मिनट सुंदरलाल, मैं अपनी इज्जत तुम्हारे खतरों में रखता हूँ। पिताजी, हवालदार, इसे हथकड़ी पहनाओ, ये मुझे मेरा फर्ज भुला रहा है। सुंदरलाल, तुम अपना फर्ज पूरा कर सकते हो लेकिन 2 घड़ी के लिए एक बाप को अपना वो फर्ज पूरा कर लेने दो जिसके लिए हर बाप दिन की राह देखता है। हरगिज नहीं, एक मुजरिम, एक हत्यारे के आंसू मेरे दिल को मोम नहीं बना सकते। आप इतने पत्थर दिल कब से हो गए? पत्थर मारकर पूछती हो ये जख्म कैसे हुए? नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो गई, सिर्फ एक जरा सी बात के लिए आपने मुझे ठुकरा दिया। पिछड़ने के बाद आपने मेरी गोद में अरुण की जगह एक लड़की देखी। जा जा, तुम्हें जरा भी गैरत और शर्म होती तो यूँ सामने ना आती। यही तो एक जेवर है जो जन्म से लेकर आज तक मेरा सिंगार रहा, जब तक आपके चरण में रही लाज और शर्म का जेवर पहनती रही। आप जेल चले गए तो लाज का जेवर लूटता देखकर घर छोड़ दिया, और अपनी औलाद आपकी निशानी की लाज न रख सकी तो ये सोचकर अपना बच्चा किसी के हवाले कर दिया। बाप अगर मुजरिम है तो बेटा इंसाफ के मालिक एक जज के घर में रहे, अपनी औलाद एक पराये को देख दूसरे के औलाद को गोद ले ली। ये वही बच्ची है जिसे एक दिन धर्मशाला में आप मेरे गोद में देखकर मुझसे मिले बगैर चले गए थे। सुमति मेरी बेटी नहीं, धर्मराज की बेटी है। लक्ष्मी, तुम सचमुच एक देवी हो। तुमने उस दुश्मन की औलाद को पाला जिसने हमारे खानदान को बर्बाद कर दिया। सुंदरलाल, आज मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में सब मुझ ऐसे ही शैतान नहीं बल्कि दुश्मन का भला करने वाली ऐसी देवी भी है। लेकिन लक्ष्मी, हमारा अरुण कहाँ है? अरुण,
नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैंने किसी को वचन दे रखा है। तोड़ डालो वो वचन लक्ष्मी बहन। सच्चाई से पर्दा उठाना कोई पाप नहीं है। अगर आपकी यही आज्ञा है तो मेरे सुहाग के मालिक सुन लीजिए, ये जिस साहब का बेटा, ये डॉक्टर आरुण हमारा बेटा है, आपका बेटा है। माँ बेटा तुमने मेरे लिए कितने दुख उठाए हैं। मेरी भलाई के लिए माँ की एक अनमोल वस्तु ममता को अपने दिल में दबाए सब्र का खूब पी लिया। अपने अभागे बेटे को नजरों के सामने रख कर भी माँ तुम वो देवी हो जिसकी पूजा करना चिराग को भी रोशनी दिखाना है। मेरा बेटा है डॉक्टर अरुण, मेरा बेटा है। राय बहादुर आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। जज साहब तुम चुप रहो जी, कोई आदमी जन्म से बुरा नहीं होता। इससे अच्छी बहू मेरे बेटे को नहीं मिल सकती। पिताजी बड़े बेटे को, लेकिन भैया सबके साथी के लिए 10 लाख मुझे मिलने चाहिए। क्यों माँ? सुंदर बात, मैं भाग नहीं रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दो। मेरे दुश्मन मेरे संबंधी जल्दी करो। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। सुंदरलाल राय बहादुर मर गया, धर्मराज हाजिर। सुंदरलाल तुम कानून के रखवाले होकर भी एक मुजरिम की बेटी को अपनी बहू बना रहे हो, लेकिन याद रखो हीरा कोले की कान ही में मिलता है। मैं कोयला हूं लेकिन सुमति हीरा है। बेटी सुमति आज से तुम एक नया जीवन शुरू कर रही हो और मैं भी। पाप करना आदमी का काम है लेकिन पाप करके पछताना एक देवता का पिताजी। ठीक रहो बेटी चलिए। पिताजी इंसान की जिंदगी है दुख सुख का एक झूला, अंजाम उसका दुख है सुख में जो दुख को